गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज आपका सिक्स लेक्चर है पीपीएससी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, जो फ्री इनिशिएटिव हमारा चैनल चला रहा है उसका सिक्स लेक्चर है, जिसमें कि आज आपकी रीजनिंग एंड हिस्ट्री की क्लास होगी। अभी रीजनिंग करेंगे, उसके बाद 7:30 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि क्या ये बैच पूरा कंप्लीट होगा। बच्चे, कंप्लीट बैच पूरा 75 दिन 75 डेज का ये बैच है और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो आपको वो नहीं ये टेंशन लेने की पूरा करेंगे कि नहीं, सब कुछ कंप्लीट होगा। 100% सिलेबस आपका इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। तो चलिए, हाँ जी, गुड इवनिंग। फटाफट से एक काम करिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो क्लासेस लगा रहे हैं, जो नहीं भी लगा रहे हैं, जो पंजाब एग्जाम्स दे रहे हैं, सभी फ्रेंड्स के साथ आज की क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए और साथ साथ लाइक कर दीजिए। आई होप हमने दो टॉपिक कर लिए, कैलेंडर और लेटर सीरीज का। तो आपने डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको बोला था कि लिंक अवेलेबल है जहां पे आप क्लिक करके साइन इन कर सकते हैं और उसके बाद आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आपने, आई होप आपने कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, लेटर सीरीज के भी आप कर लेना। और आज हम कर रहे हैं डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस जो हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पे, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अमन, अंजनी, भीम, अलीशा, जल्दी से शेयर कर दीजिए। डायरेक्शंस का मैंने आपको कल जैसा कि बोला था कि हम यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन इतने नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, क्योंकि बेसिक के शुरुआत तो देखो बेसिक से ही करेंगे, बेसिक लेवल का क्वेश्चन तो हम करेंगे डिस्कस, बट उसके बाद थोड़े अलग से क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में होते हैं, क्योंकि पंजाब एग्जाम्स में आप अगर देखोगे आपके जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे कई बार थोड़े से घुमा फिरा के भी देते हैं, ठीक है। सिंपल भी क्वेश्चन मिलता है, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल आपका मुश्किल नहीं होता पंजाब एग्जाम्स की रीजनिंग का, इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल रहेगा आपका। बट वहां पे आपको जो क्वेश्चन दिया होता है कई बार इतना सीधा भी नहीं होता, थोड़ा सा घुमा के वो देते हैं चीजों को। तो वो चीजें हमने इन लेक्चर्स में, मतलब इन लेक्चर्स में आप ये मत सोचो कि फ्री है तो बिल्कुल बेसिक बेसिक करा के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे बेसिक तो करवाना ही है, उसके साथ साथ हर लेवल का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। जितना भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका पीपीएससी का लेवल रहेगा, उससे 2-3 लेवल ऊपर ही आपको करवाएंगे। तो फ्री है पर आपकी क्वालिटी के साथ, लेक्चर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, डायरेक्शंस, सबसे पहले तो डायरेक्शंस में हमने सीखना क्या है, आपकी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये आपकी मेन डायरेक्शंस है। देन आपकी सब डायरेक्शंस होती हैं, डिग्री होती है, लेफ्ट राइट, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन। हाँ जी, सो सबसे पहले तो आपकी जो डायरेक्शंस है टोटल 4 है, ये आप सबको पता है। सबसे ऊपर होती है नॉर्थ, नीचे आपका साउथ, इस तरफ आपका ईस्ट और यहां पर आपका वेस्ट। तो ये चारों तो आपकी मेन डायरेक्शंस है। इसके बाद यहां पर आपकी सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट एंड ये वाली डायरेक्शन जो है आपकी नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, ओके ओके। कशिश, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। एंड शुभम, वो लेटर सीरीज के आपके अपलोड हो जाएंगे, आज ही अपलोड कर देंगे वो, ठीक है, तो आप उसके क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ जी, ये 4 आपकी मेन डायरेक्शंस है और 4 ही आपकी सब डायरेक्शंस है। अब यहां पे अगर हम बात करें डिग्री की, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपकी डिग्री जो बनती है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अगर हम बात करें साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट की, इनके बीच में जो डिग्री बनती है वो भी 90 डिग्री है। अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट की, इनके बीच में जो डिग्री बनती है वो आपकी कितनी है, 45 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब आप देख सकते हो डिग्री कैसे है, ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है और इसका हाफ जो है, ये देखो ये इसका हाफ है, इसका हाफ जो है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, राइट। तो ये तो आपकी डायरेक्शंस हैं। अब इसके बाद अगर आपको लेफ्ट या राइट टर्न लेने हैं वो हम किस तरह से देखेंगे, तो चलिए
हाँ जी, नॉर्थ का लेफ्ट किधर होगा? देखो नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से थोड़ा सा हम एज्यूम करते हैं, नॉर्थ अगर आप इधर फेस कर रहे हो तो लेफ्ट टर्न यहाँ पर और राइट टर्न यहाँ पे। अब नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ, तो साउथ का लेफ्ट होगा इस तरफ और साउथ का राइट होगा इस तरफ। वेस्ट आपका यहाँ पे फेस अगर आप कर रहे हो तो आपका लेफ्ट टर्न जो है वो नीचे और राइट टर्न जो है वो ऊपर। और ईस्ट फेसिंग के केस में आपका लेफ्ट टर्न ऊपर है और राइट टर्न नीचे है। तो ये आपके लेफ्ट और राइट टर्न्स है, राइट? ओके, चलिए। तो यहाँ पे आपको अगर लेफ्ट टर्न लेना है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो जितने भी लेफ्ट टर्न है वो किस तरह से है। देखो नॉर्थ का लेफ्ट इधर है, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्मेट से देखें तो क्लॉक की मूवमेंट ऐसे होती है, 12 के बाद 1 2 3 4 यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेफ्ट टर्न उसका ऑपोजिट है, ये 12 से 11 वाले डायल पे जा रहा है, तो लेफ्ट टर्न जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। और जितने भी राइट टर्न है वो सारे के सारे जो है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो राइट टर्न ये देखो, ये 12 से 1, 3 से 4, 6 से 7, 9 से 10, तो ये सारे के सारे आपके क्लॉकवाइज है, ठीक है। और जितने भी आपके लेफ्ट टर्न है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये आपके रहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक है जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम, वैसे तो आपको ये पता होगी बट हम क्योंकि सारी चीजें कवर करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पहले तो हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम पहले तो लगती है किसमें? एक राइट एंगल ट्राइंगल में। तो जैसे कि आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप यहां पे देख सकते हैं ये जो नीचे वाली लाइन है इसको आप क्या बोलते हो? बेस। ये वाली लाइन इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप या फिर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये वाली लाइन जो है इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपकी थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि एच का स्क्वायर या स्लोप का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। ये आपकी थ्योरम है, ठीक है, कि ये वाली जो लाइन है इसका स्क्वायर किसके बराबर है? इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर, राइट। तो अगर आपको एच की वैल्यू चाहिए तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट। अगर आपको बेस चाहिए तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर अंडर रूट। अगर मुझे परपेंडिकुलर चाहिए तो एच का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट। क्योंकि जब आप डायरेक्शंस के क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, वहां पे आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब स्लोप लाइन की वैल्यू निकालनी है तो वो पाइथागोरस थ्योरम से ही आप निकाल पाएंगे, ठीक है। सो ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हमने इसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो ये वाला आप देख सकते हो, अब बहुत सारे क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि यहां पे तो उसने एक ही चीज पूछी है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमें कैसे पता लगेगा वो मैं आपको बताऊंगी, बट अलग अलग इसी में आपसे अलग अलग तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो बनते हैं तो वो सारे ही हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उसने बोला कि रिजवान जो है फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ। ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये बेसिक ऑफ चैप्टर है। यहाँ पे पूरा हम तरीका समझेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का और आगे एंड ऑफ चैप्टर तक आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं डायग्राम्स बना के। तो इसीलिए बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। रिजवान जो है सबसे पहले तो वो कहाँ फेस कर रहा है? नॉर्थ। अब सिर्फ उसने क्या बोला? फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्निंग टू हिज राइट। अभी वो चला नहीं है। देखो फेसिंग का मतलब होता है सिर्फ देखना। अगर वो कह रहा है कि मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, जब तक वो मूव्ड वर्ड ना बोले तब तक हमने उसको नहीं चलाना, ठीक है। तो उसने सिर्फ बोला कि वो फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ फेसिंग आपका कैसे है? मतलब ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप डायरेक्शंस करोगे आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेंटर वाला
पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होगी। तो यहां से अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो टर्निंग टू हिज राइट, तो नॉर्थ का राइट आपको मैंने बताया था इधर होता है, राइट में कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो यानी कि अभी वो चला नहीं है, वो पहले नॉर्थ देख रहा था, उसके बाद वो कहां देख रहा है, अब ईस्ट की तरफ देख रहा है। तो यहां पे अगर वो ईस्ट की तरफ देख रहा है तो उसके बाद ही वॉक्स 25 मीटर, ईस्ट की तरफ वो चला और कितना चला, 25 मीटर। ठीक है, फेस नॉर्थ था, फिर उसने राइट टर्न लिया, 25 मीटर चला, फिर उसने कहां टर्न किया, लेफ्ट। तो हम मार्क कर लेते हैं पहले तो कि यहां से जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट इधर की तरफ चलने की वजह से लेफ्ट उसका ऊपर होगा और ऊपर जाके वो कितना चल रहा है, 30। ठीक है, नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, पहले वो यहां पे आ रहा है 25 मीटर, ठीक है, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया 30 मीटर का, अब वो ऐसे फेस कर रहा है, फिर उसने क्या किया, 25 मीटर चला राइट की तरफ। ठीक है, 25 मीटर राइट की तरफ चल रहा है। ठीक है, ही देन टर्न्स टू हिज राइट अगेन, फिर वो राइट मुड़ रहा है और राइट मुड़ के कितना चल रहा है, 55 मीटर, 55 मीटर चला वो राइट टर्न लेके, अब उसका राइट किधर होगा, नीचे। ठीक है, सो अब यहां पर आगे उसने क्या बोला, ही टर्न्स टू हिज राइट, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, नीचे फेसिंग है, साउथ फेसिंग का राइट होगा इस तरफ। ठीक है, और कितना चल रहा है वो, 40 मीटर, राइट टर्न लेने के बाद वो कितना चला, 40 मीटर। अब आप एक चीज हमेशा याद रखना डायरेक्शंस में कि जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, वहां पर आपको ये जरूर देखना है कि अगर पैरलर कोई लाइन है उसकी डायमेंशन के कंपैरिजन में आपने सॉल्व करना है। तो ये देखो, ये पैरलर में ये 25 है और ये 25 है, तो ये यहां से लेकर यहां तक ये 25 और 25 50 है। ठीक है, हमें कितना चलना है, हमें टर्न लेने के बाद 40 मीटर चलना है, तो यानी यहां से लेके यहां तक तो वो चले गई, ये देखो यहां तक तो 25 कवर हो रहा है, अब 25 के बाद आगे उसको और कितना चलना है, 15 और, तो मतलब इस पॉइंट से हम थोड़ा पीछे ही रखेंगे रिजवान को, इस पॉइंट से हम थोड़ा पीछे ही रखेंगे, क्योंकि यहां तक अगर वो चलता है तो वो 50 कवर करेगा, हमें उसको 40 कवर कराना है, तो थोड़ा सा पीछे रखना। इन पॉइंट्स का हमें डायरेक्शन के चैप्टर में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी एक डायग्राम बना रहे हैं, आपने ये नहीं करना कि ये 25 और 25 और आप 40 इतना बड़ा बनाओ, है ना, पैरलर की डायमेंशन के अंदाजे से आपने डायग्राम बनाना है हमेशा, तो बस फिर यहां पे उसकी जर्नी जो है वो खत्म हो रही है। तो उसने आपसे क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो किस तरफ है, किसके कंपैरिजन में, स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में। ठीक है, फ्रॉम हिज या विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी होगा, विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो भी होता है उसको हमने क्या लेना है, सेंटर लेना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो आपका होगा उसको हमने सेंटर लेना है। तो यहां पे विद रिस्पेक्ट टू के बाद क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था, तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या लेंगे, अपना सेंटर। ठीक है, तो अगर हम इसको सेंटर ले रहे हैं तो रिजवान जो है वो तो यहां पर है, तो ये किस डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, आप देख सकते हो ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, ये वाला पॉइंट जो है ये साउथ ईस्ट, मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ ईस्ट। हाँ जी, सो काफी स्टूडेंट्स ने तो आंसर दे भी दिया, बट ये क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करने का मोटिव सिर्फ इतना था, ऑल्दो और भी बहुत क्वेश्चन मैं भी डिस्कस कर रही हूँ, बट इसको डिस्कस करने का सिर्फ इतना मोटिव था कि डायग्राम बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि पैरलर जितनी भी डायमेंशन है उसके कंपैरिजन में ही बनाना, 40 मीटर इतना बड़ा नहीं बना सकते हम, क्योंकि यहां तक 50 हो रहा है तो 40 इससे थोड़ा सा पीछे ही रखना है, अच्छा यहां तक 25 है तो इससे आगे भी रखना है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं खत्म होना चाहिए 40 मीटर, इन चीजों का ध्यान हम रखेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी जसराज कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू का मतलब, देखो यहाँ पे उसने बोला इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम की जगह अगर वो बोलता विद रिस्पेक्ट टू,
या फिर आपको बोलता इन कंपैरिजन टू, ठीक है, या फिर वो सिंपली अगर फ्रॉम बोल रहा है कि मतलब उसका क्या है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ है, स्टार्टिंग पॉइंट से बताओ, विद रिस्पेक्ट टू बोले या इन कंपैरिजन टू बोले या फ्रॉम बोले, मतलब वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से बताइए। तो स्टार्टिंग पॉइंट को जिसको जिसके कंपैरिजन में पूछ रहा है उसको हमने सेंटर लेना है, और उसको अगर आप सेंटर ले रहे हो तो वो इधर की तरफ है, जो कि कौन सी डायरेक्शन बन रही है, साउथ ईस्ट। हाँ जी जसराज, क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पे उसने आपको क्या बोला है कि अविका वॉक, ट्राई करिए ये वाला, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर उसने 6 किलोमीटर टर्न करना है टुवर्ड्स साउथ, उसके बाद 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट? हाँ जी आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर बताइए जल्दी से, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या आएगा। सबसे पहले अविका जो है वो 10 किलोमीटर जा रही है नॉर्थ की तरफ, यानी ऊपर लेके गए उसको 10 किलोमीटर, यहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर उसने वॉक किया 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब यहां से देखो, यहां से नॉर्थ की तरफ जा रही है 10 किलोमीटर, वहां से वो वापस आ रही है, कितना वापस आ रही है, 6 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर वापस आई, ठीक है। तो ये जो 10 है, हाँ जी ये जो 10 है वो 6 और 4 में बंट जाएगा, ठीक है, 4 और 6 में हम इसको बांट देंगे। तो वापस आने के बाद वो इस पॉइंट पे आ गई, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद उसने किधर टर्न किया, ईस्ट की तरफ टर्न किया, तो यहां पे आपका ईस्ट होता है, ठीक है। जब आपको डायरेक्शन डिफाइंड है ना कि नॉर्थ टर्न है या साउथ टर्न है या वेस्ट टर्न है या ईस्ट टर्न है, वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज वहां पे आपका जो डिफाइंड है वहां फेसिंग मैटर नहीं करता। बट अगर वो लेफ्ट या राइट टर्न लेने को कह रहे हैं, वहां आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि उसका फेसिंग जो है वो क्या है। तो चलिए यहाँ पे अब उसने जो टर्न किया है वो 3 किलोमीटर का है, ये उसकी जर्नी है, यहां से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रही है। अब यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले तो फिलहाल जो पूछ रहा है कि हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट्स को हम एक बार पहले तो मिलाएंगे, इस तरह से हमने मिला दिया, और अगर आप देखो ये आपका क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जिसमें कि ये वाला जो है ये आपका कितना है 4, ये आपका कितना है 3, तो ये 4 और 3 से स्लोप की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, तो 4 और 3 से आपकी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। तो एच की वैल्यू क्या थी, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, अंडर रूट करोगे तो 25 का अंडर रूट आपका कितना आएगा, 5, यानी वो कितना दूर है, ए ऑप्शन आपका आंसर है 5 किलोमीटर, और बहुत बच्चों ने आंसर दिया है और बिल्कुल सही जवाब है सबका। चलिए तो यहाँ पे इसने सिर्फ आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा था, अब थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा करेंगे हम, कि अगर आपसे वो ये पूछे कि हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन ट्रेवल्ड और कवर्ड, ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन ट्रेवल्ड और कवर्ड, कि कितना चला है, आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। अगर वो पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन ट्रेवल्ड और कवर्ड, पहले जो हमने सॉल्व किया वो क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम दूरी, यानी दोनों पॉइंट्स को हमेशा ऐसे केस में हम डॉटेड लाइन से मिलाएंगे और उस डॉटेड लाइन की ही हमें वैल्यू बतानी है, दैट विल बी योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, यहाँ पे ये वर्ड्स जो है ना ट्रेवल्ड और कवर्ड, कि उसने कितनी जर्नी मतलब कितना किलोमीटर वो एक्चुअली चला है, तो इसमें हमें सबको टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले 10 किलोमीटर चल रहा है, फिर वो 6 किलोमीटर चल रहा है, टर्न्स यहाँ मैटर ही नहीं करते, और फिर वो कितना चल रहा है 3 किलोमीटर। तो ध्यान देना, अगर कभी ट्रेवल्ड या कवर्ड वर्ड आएगा तो आपने सभी वैल्यूज 10, 6 और 3 सभी को ऐड कर लेना है, तो आंसर आपका कितना आएगा,
19 किलोमीटर, ठीक है, 19 किलोमीटर, शुभम 19 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर नहीं है, सबने बिल्कुल सही दी है, बॉबी और शुभम 13 कह रहे हैं, आंसर इसका आएगा 19, क्लियर। आपने सिंपली इनको ऐड कर दिया ना, 4, 6, 3, तो आपने 13 बोल दिया, क्वेश्चन समझिए कितना ट्रैवल की है, तो वो ये यहां जाके वापस 6 आया, तो ये 6 जो है वो इस पाथ से 2 बार चला है, तो ये 6 किलोमीटर उसने डबल कवर किया है, ठीक है, तो आंसर आपका होगा 19 किलोमीटर। आई होप शुभम और बॉबी, लवी, काफी स्टूडेंट है बीच में, श्वेता, रुपिंदर, कईयों ने 13 किलोमीटर बोला है गलती से, तो ये अब ध्यान रखना 13 नहीं, आंसर होगा 19। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं विच डायरेक्शन, अब देखो डिस्टेंस के हमने दो क्वेश्चन किए, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड, उसके बाद देखो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो पूरा चैप्टर इसी की हेल्प से होने वाला है, ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं पूरा चैप्टर इन्हीं की हेल्प से हम करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू का 15-20 मिनट का आपका जो है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, हाँ जी इसका आंसर बताइए, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, आंसर क्या होगा, बच्चे ध्यान से, गलत आंसर दे रहे हो, बहुत ध्यान से, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो अभी हमने डिस्कस किया, ये कुछ और कह रहा है, उसका फेस किधर है, वो कहां पे फेस कर रहा है, तो एंडिंग पॉइंट पे उसने इधर को टर्न किया है, इधर को टर्न जो किया है, ये वाला टर्न जो है आपका, ये आप देख सकते हो कौन सी डायरेक्शन होती है, यहां पे आपकी है ईस्ट, तो इसका आंसर होगा ईस्ट, ये कुछ और कह रहा है, ठीक है, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, बस वो इतना पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, बट अगर आपसे वो ये पूछ ले कि इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू His original point. ये कुछ और है, ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन की तरफ है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ओरिजिनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ये वाली चीज कुछ और है आपकी, ठीक है, तो आप यहां पे आंसर बताओ पहले तो, हाँ जी, इन दोनों क्वेश्चंस में फर्क है, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर इसका क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, क्योंकि उसने यहां बोला कि वो ओरिजिनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहां पे है, तो ओरिजिनल पॉइंट आपका ये वाला है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हो तो वो इधर की तरफ है जो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसका आंसर हमारा होगा नॉर्थ ईस्ट, तो ये आपका क्वेश्चन था, ये कह रहा था फेसिंग क्या है, ये कह रहा था विद रिस्पेक्ट टू, तो ध्यान देना ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, फेसिंग मतलब किधर देख रहा है, डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू जहां पे आपको कंपैरिजन में बताना होगा कि आंसर क्या है, तो आगे आई होप आपसे अब गलती नहीं होगी, ठीक है, ये जो गलती वाले पॉइंट्स है ना हम शुरू में ही कवर कर रहे हैं, जिन पॉइंट्स की आप गलती करते हो डायरेक्शन के चैप्टर में वो शुरू में ही हम कवर कर रहे हैं, ताकि जब हम क्वेश्चंस करने पे आएंगे तो आप बैक टू बैक मुझे उसके सही आंसर्स दो, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक और क्वेश्चन करेंगे इस वाले में कर लेंगे वो, ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट वाला ट्राई करिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी, इसका डायग्राम बनाएंगे और आंसर बताइए कि वो कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब आपसे वो यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया, ओके, हिमांशु, श्वेता, दिशु, संदीप, चैंपियन, अंजनी, बहुत बढ़िया, अर्पण, रुपिंदर, दीपिका, मलकीत, मोहित,
सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके चलिए, सो बिल्कुल सही जवाब है, अभी तक किसी एक स्टूडेंट का भी गलत नहीं आया। यही फायदा कि हम शुरू में अगर कंफ्यूजन्स क्लियर कर लेना तो फिर आप सही सही सॉल्व करते हो। चलो तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि पहले तो मयंक वॉक 25 मीटर टुवर्ड्स साउथ, पहले तो वो साउथ की तरफ जा रहा है 25 मीटर, और यहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, उसके बाद उसने किधर को टर्न किया, लेफ्ट की तरफ टर्न किया, ठीक है, एंड वॉक 20 मीटर। अब उसका लेफ्ट किधर होगा, देखो स्टार्टिंग पॉइंट से वो नीचे आया, ठीक है, साउथ की तरफ। अभी वो कहां पे है, यहां पे है, तो उसने अगर लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट टर्न इधर होगा, कितना चला वो 20 किलोमीटर, सॉरी 20 मीटर। अब वो यहां पे आ गया, ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला 25 मीटर। अब ध्यान दीजिए इस लाइन के पैरलर, ये देखो इस लाइन के पैरलर भी लाइन है, तो ये भी 25 है और हमने यहां भी 25 चलना है, तो बिल्कुल बराबर रहेंगी दोनों लाइंस। गलती से ऊपर नीचे किया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आपको कह रहे हैं कि ही अगेन टर्न टू हिज राइट, अब उसके बाद उसने कहां टर्न करना है, अब वो ऊपर जा रहा है, अब उसका राइट टर्न किधर होगा, यहां की तरफ, और कितना किलोमीटर चल रहा है वो 15 मीटर। यहां पे उसकी जर्नी हो गई खत्म, ये उसका क्या है, एंडिंग पॉइंट, तो ये उसका पूरा पाथ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन ट्रेवल्ड और कवर्ड, तो आपका आंसर क्या है, 25 + 20 + 25 + 15, ठीक है, तो ये आपका 85 किलोमीटर आ जाएगा। सभी को आपने बस ऐड ही कर देना, 25 25 50 20 70, ठीक है, और 15, सॉरी 85 नहीं 95 आ जाएगा, ठीक है। पर उसने आपसे क्या पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस, वो सिंपल आपसे पूछ रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, और स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, यहां पे उसने बोला ना फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, तो ये देखते हैं। पहले तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, हाँ जी, डॉटेड लाइन से, क्योंकि स्ट्रेट आ रही है डॉटेड लाइन, आप देख सकते हो बिल्कुल आमने सामने है दोनों पॉइंट्स, तो इस लाइन की वैल्यू तो हमें यहां से यहां तक की पता है कितनी है, 15। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू चाहिए तो पार्लर से कॉपी कर लो, ये पार्लर वाली लाइन की वैल्यू है कितनी, 20, तो ये 20 है, ये 15 है, दोनों को मिलाओगे तो 35 मीटर आएगा। वैसे तो आंसर आपका आ ही चुका है, पर चलो अगला क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है वो सारों में वैसे सेम ही है, हमें उसकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर चलो देखते हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो सेंटर हम किसको लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को, तो अगर ये मेरा सेंटर है तो वो तो इधर की तरफ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, ईस्ट, तो आंसर आपका क्या बनेगा, ईस्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पे हम डिस्कस करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन विच डायरेक्शन वॉज ही इन द स्टार्टिंग विद रिस्पेक्ट टू हिज एंडिंग पॉइंट, हां जी इसका आंसर बताइए सभी। हाँ जी, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे कि इन विच डायरेक्शन वॉज ही इन द स्टार्टिंग विद रिस्पेक्ट टू हिज एंडिंग पॉइंट। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सबका, वेस्ट। तो वो जो हम क्वेश्चन नहीं कर रहे थे डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, जो हमने पिछले में किया था कि इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू हिज ओरिजिनल पॉइंट, वो ये होता है, ठीक है। पर यहां पे मैं क्या पूछ रही हूँ, इन विच डायरेक्शन वॉज ही इन द स्टार्टिंग, कि ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ आएगा विद रिस्पेक्ट टू एंडिंग, यहां पे आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, एंडिंग के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो यहां पे हम जो सेंटर लेंगे किसको लेंगे, एंडिंग पॉइंट को सेंटर लेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू के बाद उसने आपको एंडिंग पॉइंट दिया है, तो इसको लिया जाएगा सेंटर, तो इसको आप सेंटर लेंगे, तो वो इधर की तरफ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, वेस्ट।
ठीक है, तो ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू में, विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू एंडिंग पूछ रहा है, वैसे तो वो ज्यादातर आपसे विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट ही पूछेगा, ठीक है। और एक और फॉर्मेट देखिए, विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग और विद रिस्पेक्ट टू एंडिंग, ये दोनों आंसर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा था वो ईस्ट था, और ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो हम ऊपर कर रहे हैं इसका आंसर क्या है, वेस्ट। तो डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल जो होती है वो हमेशा डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंडिंग होगी, ठीक है। हमेशा ये दोनों आंसर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। हाँ जी बच्चे, क्लियर है सबको? चलो अब हर क्वेश्चन में एक नया पॉइंट आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने डायग्राम को लेके थोड़ा क्लैरिटी करी, अगले में हमने थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लियर किए, इस क्वेश्चन में हमने एक और क्वेश्चन की डिस्कशन करी है, तो हर क्वेश्चन में नया पॉइंट आ रहा है, इसीलिए पूरा चैप्टर अच्छे से समझना है आप सबने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो। हाँ जी बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बता दीजिए। चलिए आंसर आना शुरू हो गया, सबका कहना है 15 आंसर है, बी ऑप्शन बताया जा रहा है आंसर। चलिए सबसे पहले उसने बोला कि एक दिन रवि जो है वो अपने घर से निकला और साइकिलिंग करता हुआ 10 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, तो मान लो ये उसका घर है, ठीक है। तो पहले तो वो किधर की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। फिर उसने राइट टर्न लिया तो साउथ के राइट में, मतलब ये वाला, ठीक है, और कितना चला वो, 5, ठीक है। उसके बाद उसने फिर से राइट टर्न लिया और कितना चला वो, 10 किलोमीटर। तो ये भी 10 है ना, इसके बिल्कुल पैरेलल हमें ये लाइन यहीं तक बनानी है, ठीक है। उसके बाद टर्न लेफ्ट, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे उसका घर है और यहाँ पे रवि जो है वो साइकिलिंग करता हुआ यहाँ पे पहुंच गया, तो वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट, वापस घर जाने के लिए अब उसको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, ये हमें चेक करना है। तो वापस जाने के लिए उसको ये वाला पाथ जो है कवर करना पड़ेगा, इस पाथ की वैल्यू यहां से यहां तक 10 है, और ये इतना जो है पाथ आपका, ये पैरेलल आप देख सकते हो 5 है, तो ये भी कितना होगा, 5, तो 10 और 5 को जोड़कर यानी उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। हाँ जी बिल्कुल सही, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना है वापस घर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे दो लोग आ गए हैं, ए एंड बी, स्टार्टेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। हाँ जी इसका आंसर बता दो सारे, क्वेश्चन बच्चे ध्यान से पढ़ लेना, आपने आंसर बताना शुरू कर दिया है बट एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। चलिए हिमांशु का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। उसने आपको बोला कि ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पहले तो ए और बी कॉमन पॉइंट से चल रहे हैं और ऑपोजिट जा रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने जा रहे हैं, ठीक है। और कितना चले दोनों के दोनों, 15 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद दोनों ने लेफ्ट टर्न लिया, कॉमन पॉइंट से चल रहे हैं, एक इधर जा रहे हैं और दूसरा इधर जा रहा है, तो लेफ्ट टर्न अगर वो दोनों ले रहे हैं, इधर वाला लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो वो नीचे गया,
इधर वाला जो है वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक है, तो वो ऊपर जाएगा, और लेफ्ट टर्न लेके दोनों चल रहे हैं 8 किलोमीटर, तो एक ये दोनों पॉइंट्स जो है, ये दोनों पॉइंट्स पे आपका कौन आ चुका है, ए और बी, तो आपने इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी बतानी है, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है, डॉटेड लाइन से जोड़ लेना है। डॉटेड लाइन से हमने दोनों पॉइंट्स को जोड़ लिया, तो इसका डिस्टेंस अगर मुझे बताना है, स्लोप लाइन का डिस्टेंस बताना है, तो हमें डॉटेड लाइन से ही बेस और परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये पूरा आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है, तो इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में आपका बेस कितना आ रहा है और आपका परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, ये देखो, ये 15 और 15 जोड़ा 30 किलोमीटर, तो ये आपका कितना हो गया 30, ये लाइन 8 है, तो इसके पैरेलल ये लाइन भी कितनी होगी 8, तो बेस आपका आ रहा है 30 किलोमीटर और परपेंडिकुलर आपका आ रहा है 16 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर, हाँ जी, यहां पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, यानी 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अंडर रूट करके, ठीक है, इस तरह से आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो ये सॉल्व कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, पर ये चीज हम थोड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूं कि 30 स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है, आपको 30 का स्क्वायर पता है, 16 का स्क्वायर पता है, पर ऐड करके जो वैल्यू आएगी है ना, वो किसका स्क्वायर रूट है वो आपको शायद ना पता हो, मतलब इजी है दोनों, बट इसका सम करके जो वैल्यू आएगी, शायद से वहां तक के आपको स्क्वायर्स ना आते हो, शायद से आते हो। तो अब इस चीज को हम थोड़ा इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप देखो 30 और 16 में, कहीं बच्चे मुझे 17 का आंसर हो रहा है दे रहे हैं, हिमांशु बिल्कुल सही कह रहे हो, 17 प्लस 17 करके इजीली हो जाएगा, बट वो सिर्फ ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, पर अगर ये 15 और 15 बदल जाते हैं या ये 8 और 8 बदल जाते हैं, तब इस तरह से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब आपका ये जो डॉटेड लाइन है ये सेंटर पॉइंट से निकले इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर आपकी ये डॉटेड लाइन यहां से क्रॉस होगी, तो फिर आप इस मेथड से नहीं कर पाओगे हिमांशु, तभी हम ये वाला मेथड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको 30 और 16 की वैल्यू चाहिए ना, 30 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का अंडर रूट की वैल्यू चाहिए ना, तो आप 30 और 16 में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन आपका क्या आ रहा है 2, तो अगर आप 2 कॉमन लेते हैं, बीच में आपका क्या बचता है 15 और 8, 2 के टेबल में 2 into 15 करके 30 आता है, 2 into 8 करके 16 आता है, तो अब हमने 30 और 16 की बजाय 15 और 8 पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अंडर रूट करते हो, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर आपका हो गया 225, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 289 होगा, 289 का अंडर रूट होगा 17, तो ये आपको मैं करके दिखा देती हूँ, ये देखो 15 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर है ना, तो 225 प्लस 64 का अंडर रूट, तो ये 289 का अंडर रूट हो गया कितना 17, 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 17, तो आंसर आ गया 34, तो असल में आप इसको अगर सॉल्व करते तो आंसर आपका कितना आना था 34, ठीक है। हाँ जी अंजनी, आपका पॉइंट मैं क्लियर कर रही हूं, पहले मुझे ये बताइए ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई सबको, हाँ जी प्रियंका आप बताइए कैलकुलेशन क्लियर है, और अगर कोई डाउट है तो वो भी जल्दी से बताइए किस पॉइंट पे डाउट है। हाँ जी बच्चे जल्दी से बताइए क्लियर है, ओके डन। तो अंजनी आप कह रहे हो कि अगर आप डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ और साउथ ले लोगे तब भी आंसर यही होगा, देखो उसने सिंपली बोला ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर मैं इसको कॉमन पॉइंट से ऊपर नीचे लेके जाऊं तब भी दोनों टर्न करेंगे 8 का, तो डॉटेड लाइन बनाओगे तो यही सेम आंसर्स आएंगे, तभी इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा हुआ है वो डिस्टेंस के बारे में पूछा हुआ है, वो डायरेक्शन के बारे में इसीलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि डायरेक्शन के बारे में आप इसका आंसर बता ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि हाँ जी अलीशा नॉर्थ साउथ ले रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ ले रहे हो तब भी आपका यही आंसर आएगा, क्योंकि उसने जो पूछा है वो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताइए इसका, हाँ जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जल्दी से ट्राई करिए इसको और आंसर बताइए,
हाँ जी लवी, कुछ भी कॉमन ले सकते हो आप, 10 भी कॉमन ले सकते हो, आप 50 भी कॉमन ले सकते हो, पर जो कॉमन ले रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि बड़े से बड़ा नंबर कॉमन ले रहे हो ताकि बीच में छोटे से छोटा नंबर बचे, ठीक है? क्योंकि जितना छोटा नंबर आपका बचेगा ब्रैकेट में उतना पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना उसको आसान हो जाएगा। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम बड़े से बड़ा नंबर लें बाहर कॉमन, ताकि बीच में छोटे से छोटा नंबर आपका जो है वो बचेगा, ठीक है? हाँ जी, गुड इवनिंग निमरता। ओके, हाँ जी, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ई। ओके, हाँ जी, तो स्कूल बस ड्राइवर स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल, एक स्कूल का ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, और वो 2 किलोमीटर जा रहा है किधर की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो पहले तो उसने जाना है नॉर्थ की तरफ, कितना, 2 किलोमीटर, ठीक है? तो ये चलो स्कूल बस ड्राइवर, ऑब्वियस सी बात है स्कूल से चला, और बताया ही हुआ है कि वो स्कूल से चल रहा है, ठीक है, 2 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या किया, टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव फॉर 5 किलोमीटर। अब उसका नॉर्थ की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टर्न उसका इधर होगा कितने किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव फॉर 8 किलोमीटर। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, 8 किलोमीटर। तो लेफ्ट टर्न मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, ये 2 था, 2 से ज्यादा होगा, तो ये कितना किलोमीटर आ रहा है, 8 किलोमीटर। ये लाइन देखिए, बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न अगेन, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रही है। वो कह रहा है कि वो जो 8 किलोमीटर चला है वो पहले चला है, अगला लेफ्ट टर्न लेने से पहले चला है, तो अगला लेफ्ट टर्न तो हमें लेना ही है, तो नेक्स्ट आपका लेफ्ट टर्न जो है वो इधर होगा, और कितना चला, 5 किलोमीटर। तो ये जो कह रहा है, बस ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर चला पहले, चला अगला 5 किलोमीटर का टर्न लेने से पहले चला, तो ये 5 किलोमीटर है, पैरेलल भी 5 है, तो बिल्कुल इसके सामने हमें ये लाइन खत्म करनी है। एंड द ड्राइवर फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 1 किलोमीटर। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, वो 1 किलोमीटर चला। अब हमें बताना क्या है कि हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड द ड्राइवर ड्राइव टू रीच द स्कूल अगेन, स्कूल वापस जाने के लिए वो कितना दूर है और वो किधर की तरफ ड्राइव करेगा ये बताना है। तो देखो स्कूल तो ऊपर है, ऊपर मतलब नॉर्थ की तरफ है, तो उसको जाना है वापस नॉर्थ की तरफ, ठीक है? और ये जो है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पैरेलल लाइन आप देख सकते हो, ये 8 है, ये पूरी 8 हो जाएगी, यहां से यहां तक 8 में से आपका माइनस होगा, देखो ये 1 है और ये 2 है, तो -3 हो गया, तो कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है? सो ये आपका आंसर है 5 किलोमीटर नॉर्थ का, राइट? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सबने दिया बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, इसमें करिए डिस्कस, करिए ट्राई। हाँ जी बच्चे, ट्राई करिए, हर क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा पॉइंट कवर हो रहा है, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? ओके, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है ऑप्शन नंबर ए, नवल, करण, अमनदीप। हाँ जी, ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अ पॉइंट, ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहा है कि ए और बी जो है वो चल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, मतलब कॉमन पॉइंट नहीं है वो जहां से ए और बी ने चलना है, पर वो दोनों पॉइंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ऑपोजिट से चल रहे हैं। तो हमने ऑपोजिट में ए और बी को ले लिया, ठीक है? उसके बाद उसने क्या बोला आपको कि ए ट्रेवल्स 3 किलोमीटर, ए चला कितना किलोमीटर, 3। उधर से ऑपोजिट पॉइंट से बी जो है वो भी चल रहा है कितना, 3, एंड रीच एट अ सेम पॉइंट, यानी दोनों 3 किलोमीटर चलने के बाद मिल रहे हैं। वैसे वो ऑपोजिट पॉइंट्स पे थे, पर दोनों के दोनों 3 किलोमीटर चलने के बाद दोनों के दोनों मिल गए हैं। देन ए टर्न्स टुवर्ड्स राइट, अब ए इधर फेसिंग है, इसका राइट होगा नीचे, ठीक है? एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, ठीक है? और उसके बाद बी टर्न्स टुवर्ड्स राइट,
बी जो है वो भी राइट टर्न ले रहा है, तो बी का राइट होगा ऊपर, और वो भी कितना चल रहा है 4 किलोमीटर, तो उसने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आपका टर्न लेने के बाद एक पॉइंट पे ए आ रखा है, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे बी आ रखा है, तो दोनों के बीच की दूरी आप देख सकते हो, चार और चार को मिला दो तो कितना किलोमीटर हो गया, ए ऑप्शन 8 किलोमीटर, ठीक है। एक स्टूडेंट का कहना है 10 किलोमीटर, नहीं 10 किलोमीटर तो बिल्कुल भी नहीं है, 8 किलोमीटर आ रहा है। आपने शायद से पता नहीं वो 3, 4, 5 ऐड करके 10, बट आप ये देखो ना आंसर निकालना किस चीज का है हमें, तो आंसर इसका कितना होगा 8 किलोमीटर, ठीक है। आप जिन्होंने 10 बताया उन्होंने आंसर शायद क्वेश्चन शायद ढंग से पढ़ा नहीं, उसने बोला कि ए और बी कॉमन पॉइंट से नहीं चल रहे हैं, ए और बी ऑपोजिट पॉइंट से चल रहे हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि ए फ्रॉम अ पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो पॉइंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, चलने के बाद मिल रहे हैं। तो डन, क्लियर हो गया सबको जिन्होंने गलत आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब डिग्री वाले क्वेश्चन आ गए हैं। बच्चे कल कह रहे थे कि डिग्री वाले क्वेश्चन भी बताइए, शेडो वाले भी होंगे, डिग्री वाले भी होंगे, हाई लेवल भी होंगे, तो अब डिग्री करते हैं। हाँ जी, अ मैन वॉज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आप इसको बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट तरीके से करोगे, हमने कुछ नहीं करना, 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा। हाँ जी, एक मैन जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये चल रहा है। आप एक पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, ओके, आप एक पॉइंट पे खड़े हो, आप मान लीजिए क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न कर रहे हो और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का टर्न कर रहे हो, तो आप जितना क्लॉकवाइज मुड़े हो उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मुड़े हो, तो आप सेम ही फेस करने लग जाओगे। तो इक्वल मैथ्स का रूल है, प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो सकता है। जितना आगे जा रहे हो, 10 मीटर आगे जाके 10 मीटर पीछे आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप बराबर आगे जा रहे हो, बराबर पीछे आ रहे हो, तो सेम पॉइंट पे आओगे। वो रूल हम यहां लगाएंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज को हमने कैंसिल करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के साथ, पर वो नहीं मिल रहा। पर अगर आप इन दोनों को मिला दो, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दोनों को मिला दो, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आपका यहाँ पे देखो, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, दोनों को ऐड किया 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, और ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपका ये आ रहा है, तो आप इनका क्या लोगे, डिफरेंस। तो अगर आप इनका डिफरेंस लेते हो तो कितना आता है, 135 डिग्री आपका क्लॉकवाइज, क्योंकि 180 ज्यादा है, 180 क्लॉकवाइज ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज कम है, तो 135 जो बचा है वो क्लॉकवाइज का बचा है। तो 135 डिग्री का टर्न, अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो जाएगा, तो 135 का मतलब होता है 90 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब आपने 90 डिग्री और 45 का टर्न एक साथ करना है, तो वो 135 का टर्न होगा। तो यहाँ पे आपको वो कह रहे हैं नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग से आपने क्लॉकवाइज मुड़ना है 90 और 45, तो ये आपका 90 का टर्न हो गया और ये आपका 45 का टर्न हो गया, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ ईस्ट। तो काफी बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया, बट कुछ का डिफरेंट आंसर भी आ रहा है, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन था डिग्री का, फिर भी आप में से काफी ने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया। हाँ जी, साउथ ईस्ट आपका आंसर है, ठीक है, तो ये हम करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के साथ कैंसिल हुआ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के साथ कैंसिल हुआ, ठीक है, और जो कैंसिल नहीं हो रहा उसका डिफरेंस ले लो और उतना ही आपको क्या करना होगा, फिर टर्न करना होगा। तो आंसर आपका है ए ऑप्शन, साउथ ईस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2 सेकंड में करने वाला क्वेश्चन है, बट पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट और ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। हाँ जी, आंसर, हाँ जी, आंसर बताइए कि साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। वो कह रहा है कि साउथ ईस्ट का मतलब क्या है, ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब वेस्ट है, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, एंड सो ऑन। 3 एग्जाम्पल दे दिए, हमें एक ही एग्जाम्पल बहुत है,
इसको सॉल्व करना है ना, 2 सेकंड में आंसर आएगा, एक ही एग्जाम्पल भी दिया हो तब भी आएगा। तो बताइए आंसर पहले आप। देखो आपको कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट को बोला जा रहा है ईस्ट, बस हम देखेंगे कितना टर्न है, साउथ ईस्ट से ईस्ट कितना टर्न करके आ रहा है। ये देखो थोड़ा सा इमेजिन करिए, आपके इमेजिनेशन के लिए मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये आपका साउथ ईस्ट है ठीक है, और ये आपका ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट से ईस्ट कितना आता है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का टर्न करके ना, यानी साउथ ईस्ट से अगर मुझे ईस्ट पे आना है तो आपने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है बस। और यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, तो आपने नॉर्थ को भी ऐसे ही टर्न करना है। नॉर्थ को भी आप कैसे टर्न कर दोगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ को अगर आप 45 डिग्री पीछे करते हो तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर इसका क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट ठीक है। ओके सो ये बस सिंपल सा था कि साउथ ईस्ट को उसने क्या बोला है, आपको ईस्ट बोला है ठीक है। तो आपने बस इतना देखना है कि डिग्री कितने का टर्न है, यहां पे डिग्री आप देख सकते हो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा है, साउथ ईस्ट के 45 डिग्री पीछे जाओगे तो ईस्ट होता है। तो मुझे जिसका पूछा जा रहा है उसको भी उतना ही रोटेट कर दो, बाकी दो एग्जांपल्स का हमने करना क्या है, बस इसको हमने उतना ही रोटेट कर देना है। तो नॉर्थ को अगर मैं रोटेट करूं इतना, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पीछे क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। बट आप में से कई बच्चों ने नॉर्थ ईस्ट बोला है जो गलत है। बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन समझो, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। तो आपने शायद से यहां से उठा लिया है, पता नहीं आपने कहां से उठाया है। तो अदरवाइज आपका जो आंसर है ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके डन, क्योंकि हमें सिंपली पीछे मुड़ना है ठीक है, रिपीट करना है। ओके रिपीट हो जाएगा। देखो आपको उसने बोला है साउथ ईस्ट को ईस्ट बोला जा रहा है ना, ये आपका साउथ ईस्ट है, उसको उसने क्या बोला है, ईस्ट। तो साउथ ईस्ट से ईस्ट जो है वो इधर की तरफ आ रहा है बच्चे, 45 डिग्री है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के 4-5 के टाइम से हम 3 पे जा रहे हैं ठीक है। फिर आपको 2 एग्जाम्पल और दिए हुए हैं और फिर आपको कह रहे हैं व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, तो आपको नॉर्थ का भी इतना ही रोटेट करना है ना जितना आपने साउथ ईस्ट को रोटेट किया है। तो क्योंकि नॉर्थ का रोटेशन अगर आप करोगे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की, तो नॉर्थ से पीछे अगर आप जाते हो तो नॉर्थ वेस्ट होता है। कोई बात नहीं, डायग्राम बना के देख लेते हैं। आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है, आपको मैं एक बार डायग्राम बना के दिखा देती हूं। हाँ जी, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट बोला जा रहा है ठीक है, इसको उसने क्या बोला, ईस्ट। ये साउथ ईस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, उसको क्या बोला जा रहा है, वेस्ट। उसके बाद उसने क्या बोला कि साउथ वेस्ट, जो आपका साउथ और वेस्ट है उसको क्या बोला, साउथ। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ। तो ये देखो ये नॉर्थ वाला क्या आ रहा है, आपका नॉर्थ वेस्ट ही तो आ रहा है, आपको मैंने ड्रॉ करके भी दिखा दिया ठीक है। ये देखो ड्रॉ करके भी आपका नॉर्थ वेस्ट ही आ रहा है। तो बच्चे आई होप क्लियर हो गया, आंसर बिल्कुल गलत नहीं है। जसकरण बीर, आपको लिखा नहीं है एंटी क्लॉकवाइज, वो हमने देखा है, हमने ये देखा यहां से यहां कितना टर्न करके आ रहे हैं, वो हमने देखा है, हमें क्वेश्चन में ये चीज गिवन नहीं है ठीक है। हाँ जी अब क्लियर है सबको, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गई थी कि ये गलत है, गलत बिल्कुल नहीं है, ये सही आंसर है, आपको मैंने ड्रॉ करके भी दिखा दी है। जल्दी से कंफर्म करिए सभी बच्चे। आंसर आपका होगा इसका नॉर्थ वेस्ट, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। थोड़ी 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये। ओके ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, इसको ये बोला जा रहा है तो इसका पूछा जा रहा है, तो ये इसी के फॉर्मेट में आएगा, तो ये हमें बताना है, तो रोटेशन ध्यान से करना ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बताइए, अगला क्वेश्चन। अब थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर।
हाँ जी, आपको दिया हुआ है 8 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल इन द सेम ऑर्डर, ध्यान दीजिए, फॉर ग्रुप डिस्कशन एट इक्वल डिस्टेंसेज, देयर पोजीशंस आर क्लॉकवाइज। तो बताइए आंसर इसका क्या होगा आपके हिसाब से? हाँ जी नवल, बिल्कुल साउथ वेस्ट होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? चलिए, तो इसमें आपको उसने बोला कि वी सिट्स इन द नॉर्थ, यानी यहां पे वी है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे V के बाद ये W होगा, क्योंकि उसने बोला है कि दे आर सिटिंग इन द सेम ऑर्डर, तो उस ऑर्डर में V के बाद W होगा, फिर P Q R S T U, तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ S? S की पोजीशन पूछ रहा है, ये कौन सी पोजीशन है? तो ये देखो साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर D, साउथ वेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं एक शॉर्टकट, कुछ क्वेश्चंस जो अभी वैसे आपके जो हुए हैं ना उनमें वो पॉइंट अभी मतलब वो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ही नहीं ज्यादा, बट वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप बिना ड्रॉ किए बता सकते हो वो है डायरेक्शन फेसिंग नाउ। आपसे पेपर में कई बार ये भी पूछा जाता है कि बताइए वो कहाँ फेस कर रहा है, डायरेक्शन फेसिंग नाउ। तो इसके लिए पहले थोड़े से रूल्स में आपको बताऊंगी। देखो डायरेक्शन फेसिंग नाउ का आंसर आप कैसे बता सकते हो बिना ड्रॉ किए, बिना डायग्राम को ड्रॉ किए, सिर्फ क्वेश्चन देख के आप इसका आंसर कैसे बता सकते हो? अगर आपको दो लेफ्ट टर्न लेने हैं या दो राइट टर्न लेने हैं, तो दो लेफ्ट टर्न या दो राइट टर्न का क्या मतलब है? लेफ्ट और राइट टर्न या फिर राइट और लेफ्ट टर्न, इसका क्या मतलब है? या फिर चार बार लेफ्ट हो और चार बार राइट हो, इसका क्या मतलब है? तो चलिए सपोज करते हैं कि आप मान लीजिए शुरुआत में नॉर्थ फेस कर रहे थे, ठीक है, शुरुआत पे आपका फेसिंग था नॉर्थ, ठीक है, आपने दो लेफ्ट टर्न लिए, आप नॉर्थ फेसिंग से लेफ्ट टर्न ले रहे हो, इधर मुड़े, फिर लेफ्ट टर्न लिया, इधर मुड़े, तो दो लेफ्ट टर्न लेके आप साउथ फेस करने लग गए, यानी कि दो लेफ्ट टर्न या दो राइट टर्न लेने से आपका डायरेक्शन फेसिंग बदल जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। दो लेफ्ट टर्न ले रहे हो या दो राइट टर्न ले रहे हो, डायरेक्शन फेसिंग आपका ऑपोजिट होगा, लेफ्ट राइट का टर्न है या राइट लेफ्ट का टर्न है, तब क्या होगा? मान लो नॉर्थ फेस कर रहे हो, लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका फिर से नॉर्थ सेम फेस करेगा, तो यानी कि लेफ्ट राइट टर्न या राइट लेफ्ट टर्न है, तो आपका डायरेक्शन फेसिंग जो है वो सेम होगा, ठीक है। अगर आप चार बार लेफ्ट टर्न ले रहे हो या चार बार राइट टर्न ले रहे हो, इसका देखते हैं ये कैसे होगा। तो एक पॉइंट पे आप नॉर्थ फेसिंग है, लेफ्ट टर्न, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, चार लेफ्ट के बाद फिर से आप नॉर्थ फेस कर रहे हो, तो इनके केस में भी डायरेक्शन फेसिंग जो है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या है? जस करण भी सब कुछ होगा, सिर्फ ब्लड रिलेशन ही 100% सिलेबस होगा आपका शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपने ये देखना है कि जब आप डायरेक्शन फेसिंग नाउ बता रहे हैं तो आपको जिन पैटर्न्स में या जिन केसेस में आपका सेम आ रही है ना डायरेक्शन फेसिंग, उसको कैंसिल कर दो। जैसे कि आप चार लेफ्ट को कैंसिल कर सकते हो, आप चार राइट को कैंसिल कर सकते हो, आप लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर सकते हो, आप राइट और लेफ्ट को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। आप चार लेफ्ट कैंसिल कर सकते हो अपने क्वेश्चन में, चार राइट कैंसिल कर सकते हैं या लेफ्ट और राइट का पेयर कैंसिल कर सकते हो, पर आपने गलती से डबल एल या डबल आर को कैंसिल नहीं करना, ठीक है। आप इसको नहीं कैंसिल करेंगे, आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। इसको हम क्यों कैंसिल नहीं करेंगे? बिकॉज इसके केस में आपका डायरेक्शन फेसिंग जो है वो बदल रहा है, वो ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। हाँ जी हिमांशु, ओके चलो, तो यहां पे अब एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। सपोज कोई पर्सन है, अ पर्सन इज फेसिंग
अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, फाइंड आउट विच डायरेक्शन, आपको दिया हुआ है कि एक पर्सन जो है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, फाइंड आउट विच डायरेक्शन विल ही बी फेसिंग, After taking बिल्कुल शॉर्टकट से करेंगे हम ये क्वेश्चन बिना ड्रॉ किए, after taking the following turns, ठीक है। अब सपोज अगर मैं आपको ये दूं कि आपने दो लेफ्ट और तीन राइट का टर्न लिया, अब हम इसको कैसे करेंगे, कुछ पैटर्न्स मैं लिख देती हूं पहले। हाँ जी, सो आप ये देखिए यहां पे आपका लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, अभी मैंने बताया लेफ्ट और राइट आप कैंसिल कर सकते हो, एक और लेफ्ट और राइट आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। और शुरुआत में वो कहां फेस कर रहा था, शुरुआत में वो फेस कर रहा था नॉर्थ, तो आपको उसके बाद एक ही टर्न बच रहा है, कौन सा, राइट, तो राइट टर्न बच रहा है, तो यहां पर आपने नॉर्थ के राइट में बताना है कौन सी डायरेक्शन होती है। ओके हाँ जी, राइट जो होता है नॉर्थ के राइट में कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट, तो ये आपका क्या होगा, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मतलब अगर आप इसको डायग्राम में भी बनाते ना तो भी आपका आंसर जो है वो कितना आना था, ईस्ट आना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, एक और लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, एक और लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका आंसर सेम वही आ जाएगा, क्या, नॉर्थ, ठीक है, फिर से वही आंसर आ रहा है आपका यहां पे, कितना, नॉर्थ, डन। सो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना कैंसिल किसको करना है, लेफ्ट राइट के पेयर को, या चार लेफ्ट को या चार राइट को, बस इनको आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, इन पैटर्न्स को आपने कैंसिल नहीं करना। हाँ जी, अगर मैं आपको दो हाँ जी तीन राइट और एक लेफ्ट, तो आंसर क्या होगा बताइए, शॉर्टकट से बताइए, अगर आप तीन राइट टर्न ले रहे हो और फिर एक लेफ्ट टर्न ले रहे हो और शुरुआत में नॉर्थ फेस कर रहे हो, तो आपका आंसर क्या बनेगा। हाँ जी बच्चे बताइए जल्दी से, फाइनल आंसर, ऑपोजिट के फॉर्मेट में नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट के वेस्ट, इस फॉर्मेट में बताइए आंसर क्या होगा। ओके साउथ, बिल्कुल सही, लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, बचा क्या, डबल आर, डबल आर का मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, साउथ, यानी आंसर आएगा साउथ। चलिए अब अगला पॉइंट वो है जो काफी बच्चों को था कि ये कैसे होगा, तो एक बार देखिए, सेवन टाइम्स राइट टर्न, हाँ जी शुरुआत में तो आप नॉर्थ फेस कर रहे हैं, अगर आपको सात बार राइट टर्न लेना हो तो आप कहां फेस करेंगे, ये आपको बताना है। हाँ जी ये कैसे होगा, देखो चार राइट तो आपने कैंसिल कर दिए है ना, चार राइट टर्न्स तो आपने कैंसिल कर दिए, तीन में से दो कैंसिल तो नहीं हो सकते, पर दो का मतलब मुझे पता है, दो राइट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, तो नॉर्थ को ऑपोजिट हो जाएगा क्या, साउथ। अब साउथ के राइट में क्या होगा, साउथ के राइट में होता है वेस्ट, तो आंसर आपका आएगा वेस्ट, ठीक है, क्लियर है सबको। तो आप जब कैंसिल करते हो ना, आपका एंड में बचता क्या है, या तो आपका एक अकेला लेफ्ट बचेगा या अकेला राइट बचेगा, तो अकेला लेफ्ट या अकेला राइट बच रहा है तो आपने देख लिया कि लेफ्ट टर्न ले लिया और राइट टर्न ले लिया, अगर आपके दो लेफ्ट बच रहे हैं या दो राइट बच रहे हैं तो वो आपको ऑपोजिट हो जाएगा, अगर आपके तीन लेफ्ट या तीन राइट बच रहे हैं तो ऐसा होगा, चार लेफ्ट और चार राइट तो कभी बचेंगे ही नहीं, क्योंकि चार लेफ्ट और चार राइट तो आपके कैंसिल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये करते हैं, फाइव टाइम्स लेफ्ट टर्न, आंसर बता दो, पांच बार लेफ्ट टर्न अगर आपने लिया तो बताइए आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। ओके बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है वेस्ट,
चार लेफ्ट तो आपके कैंसिल हो गए, एक अकेला लेफ्ट बचा, तो नॉर्थ के लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है? वेस्ट। सो ये आपका आंसर है। क्लियर? ओके, चलो, तो ये आपका शॉर्टकट था जो आपका ड्रॉ करने का टाइम बचाएगा। पिछले क्वेश्चंस में से कुछ में मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने जो ड्रॉ करके बताया ना वही आंसर आ रहा है। तो जैसे कि यही वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, देखो आपको वो यहाँ पे वैसे आपका डायग्राम बना हुआ है, यहां से उसका स्कूल था, यहाँ वो पहुंचा हुआ है ना। तो ये देखो शुरुआत में वो कहाँ फेस कर रहा था, ये नॉर्थ है। उसके बाद हम अगर टर्न्स उठा रहे हैं, पहला लेफ्ट टर्न है, फिर आपका अगला भी लेफ्ट टर्न है, उसके बाद आपका फिर से तीसरा लेफ्ट टर्न है, ठीक है, उसके बाद फिर उसका लेफ्ट टर्न है, ठीक है। बस तो चार लेफ्ट टर्न थे ना, तो चार लेफ्ट टर्न तो कैंसिल हो जाते हैं, यानी शुरू में नॉर्थ फेस कर रहा है, तो देखो बस जो है यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे भी उसका फेसिंग क्या आ रहा है, नॉर्थ। तो ये देखो अगर इसी क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा होता कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, इस डायग्राम को बिना ड्रॉ किए 2 सेकेंड में आप आंसर इसका मार्क कर देते, नॉर्थ। क्लियर? ऐसे ही अगर आप, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखते हो, ये भी डायग्राम देखो हमारा बना हुआ है, वो होम से यहां जाके रवि इधर है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है। तो हमें क्या दिख रहा है डायग्राम में कि एंडिंग पॉइंट पे रवि कहाँ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है। तो चलो देखते हैं, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल, पहले तो वो साउथ गया, ये शुरुआत में कहाँ जा रहा है, साउथ, ठीक है। उसके बाद उसका टर्न क्या है, उसने टर्न किया राइट, ठीक है, फिर उसने राइट टर्न किया, ठीक है, फिर उसने लेफ्ट टर्न किया, तो राइट राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, तो साउथ के राइट में क्या होता है, वेस्ट। तो आप देख सकते हो आपके डायग्राम में भी, आपके डायग्राम में भी वो जो है कहां फेस कर रहा है, वेस्ट फेस कर रहा है, ठीक है। सो ये तरीका था सॉल्व करने का इन क्वेश्चंस को। आपको अगर डायरेक्शन फेसिंग नाउ पूछेगा, आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल इस शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्टकट मेथड से आप इसका आंसर बता दोगे, ठीक है। सो आपने, तभी आपको मैं कह रही हूं, आपने देख लिया कि फ्री सेशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई ट्रिक नहीं बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको, सारे ट्रिक, सारे शॉर्टकट, सारी चीजें बताई जाएंगी, क्योंकि जितने भी बच्चे इन 75 दिन का सेशन ज्वाइन करेंगे उन सबका पेपर हमें क्लियर करना है। बट आपको 75 डेज का लेक्चर जो है, 75 डेज का जो कोर्स है वो अटेंड करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ जी, अब इसके बाद करते हैं शेडो वाले क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, चलो शेडो वाले क्वेश्चन करते हैं। शेडो बनती कैसे है, कल बच्चे कह रहे थे शेडो वाला भी समझा देना, शेडो भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो शेडो बनती कैसे है, देखो सन, आप जब भी ग्राउंड में देखोगे जहां आपकी शेडो है उसके बिल्कुल पीछे सन होगा, है ना। तो जैसे कि ये देखो, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे कोई पोल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए सन है, तो इस पोल की शेडो जो है वो यहां पड़ेगी, यहां पे पड़ेगी शेडो। उसका कारण ये है कि आपका जो सन है उसकी सनलाइट जो है वो हर तरफ पड़ रही है, ये पूरा ग्राउंड जो है वो सनलाइट दिखाएगा, ठीक है। बट इतने एरिया पे आपको सनलाइट नहीं दिख पाएगी, क्योंकि पोल ने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया, और यहाँ पे वो डार्कन एरिया जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है, मनप्रीत, कोऑपरेटिव का पेपर आपका जो निकला हुआ है उसके लिए है। चलो, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको ये देखना है कि शेडो जहां पे होगी उसके बिल्कुल ऑपोजिट सन है, मतलब ऑब्जेक्ट के यहाँ पे अगर शेडो है तो ऑब्जेक्ट के इधर सन होगा। तो एक तो आपको ये चीज पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात कि हमेशा ये ऑपोजिट रहेगा, और दूसरी बात हमने ये कोशिश करनी है कि जब भी हम अपने क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हमेशा वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। बनाने को आप ऐसे बनाओगे तब भी आंसर आएगा, पर हमें टाइम बचाना है, जल्दी चीजों को सॉल्व करना है, तो वर्टिकल लाइन से अगर आप अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना कि आप अपना वर्टिकल लाइन बनाएं, ऐसे बनाएं ऑब्जेक्ट को, ना कि ऐसे,
ठीक है। और दूसरा सनराइज, आपको पता है सनराइज कहां से होता है, ईस्ट से, और सनसेट कहां होता है, वेस्ट में। तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट। आपको कह रहा है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सनराइज के टाइम की बात हो रही है, कि ऑब्जेक्ट है रिया और लवली वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। तो इन दोनों को हमने आमने सामने बना दिया, इनमें से एक पर्सन का नाम है रिया और दूसरे पर्सन का नाम है लवली। तो रिया और लवली एक दूसरे को फेसिंग है, आमने सामने है, ठीक है। तो उसके बाद इफ लवली शेडो, किसकी शेडो है हमें लेना देना नहीं है, मैटर क्या करता है कि शेडो है कहाँ पे, एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया। शेडो जो है वो रिया के राइट में है, तो रिया के फेसिंग के हिसाब से रिया का राइट इधर होगा, तो यहां पे आएगी शेडो, और यहां पे शेडो है तो सन इसके ऑपोजिट होगा, तो यहां पर आएगा सन। तो इसका मतलब ये है कि सन इधर आ रहा है, और टाइम आपका कौन सा था, ये सनराइज का टाइम था, ठीक है। ये सनराइज का टाइम है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। सनराइज के टाइम पे जहां सन होता है वो कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट। तो ये हमने ले लिया ईस्ट, क्योंकि सन यहां पे आ रहा है। सन यहां क्यों आ रहा है, क्योंकि शेडो उसके ऑपोजिट यहां पे आ रही है, और शेडो यहां पे क्यों आ रही है, क्योंकि रिया के राइट में शेडो है। तो यहां पे ईस्ट ले लिया, ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो अब ये डायरेक्शन जो है असल में जो रियल होती है, वैसे आपका यहां पे वेस्ट होता है, यहां पे ईस्ट होता है, तो ये आपस में बदली है, तो इसकी वजह से ऊपर और नीचे वाले भी बदलेगी। ऊपर आएगा आपका साउथ और नीचे आएगा आपका नॉर्थ, ठीक है। नीचे आपका नॉर्थ आ जाएगा और ऊपर आपका आएगा साउथ। तो उसने आपसे क्या पूछा है, विच डायरेक्शन लवली वॉज फेसिंग, कि वो लवली जो है वो कहां फेस कर रही है। तो लवली का फेसिंग जो है वो क्या होगा, नॉर्थ। क्लियर है सबको? हाँ जी बच्चे, क्लियर हो गया? ओके हाँ जी, संदीप कह रहे हैं कि रिया ऊपर भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और क्वेश्चन करेंगे हम शेडो वाले। रिया ऊपर ले लेते हैं, ये देखो अगर हम इस तरह से बना रहे हैं, और रिया को हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और लवली को हमने यहाँ ले लिया, राइट। तो रिया ऊपर अगर नीचे ले रहे हो, और रिया को ऊपर ले रहे हो और लवली को नीचे ले रहे हो, शेडो रिया के राइट में है, तो रिया का राइट मतलब यहाँ पे शेडो होगी और यहां पर आपका सन होगा। तो फिर जहां पे सन है उसको आप क्या ले लोगे, ईस्ट। तो ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ऊपर आपका नॉर्थ और नीचे आपका साउथ। तो उसने क्या पूछा है आपसे कि लवली जो है वो कहां फेस कर रही है, तो लवली ऊपर फेस कर रही है, और ऊपर वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी है, नॉर्थ, ठीक है। हां जी बच्चे, क्लियर है सबको? ओके हाँ जी, सो चलिए कोई बात नहीं, अगले एक बार और देख लो, मैं आपको थोड़ा चेंज करके बता देती हूँ। कुछ बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आ रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है ना क्वेश्चन। देखो मैंने बोला था ऑब्जेक्ट ऐसे बनाना ना, फेसिंग ईच अदर, रिया, किसी को भी रिया लिया मैंने, इसको रिया लिया और इसको लवली लिया। तो उसने आपको क्या बोला है कि शेडो कहां पे है, लवली की शेडो जो है वो रिया के राइट में है, तो रिया के फेसिंग के हिसाब से देखो राइट इधर होगा, तो रिया के राइट में यानी यहां पे शेडो है, ठीक है। तो यहां पे होगा सन, यहां पे शेडो है तो यहां पे होगा सन। टाइम जो है वो सनराइज का है, तो सनराइज के टाइम पे सन जहां होता है उसको हम कौन सा लेते हैं, ईस्ट लेते हैं, और सामने ये क्या हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है। अब ये तो इधर वैसे वेस्ट ही होता है, जहां वेस्ट होता है वहीं पे वेस्ट आ रहा है, ठीक है, वो बाय चांस हो रहा है। तो अब ऊपर फिर हम क्या ले लेंगे, नॉर्थ। अगर ईस्ट और वेस्ट सही वाला आ रहा है तो फिर हम नॉर्थ और साउथ भी सही वाला ले लेंगे। तो हमने चारों डायरेक्शन डिफाइन कर दी अकॉर्डिंग टू सन। सन किसके अकॉर्डिंग आया, अकॉर्डिंग टू शेडो, और शेडो किसके अकॉर्डिंग आई, अकॉर्डिंग टू रिया। तो यहां पर आपसे उसने पूछा कि लवली कहां फेस कर रही है, तो जहां लवली फेस कर रही है उस डायरेक्शन का नाम क्या है, नॉर्थ।
हाँ जी सुनीता, ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, ये वाला करिए। ऑब्जेक्ट आपका कौन है? प्रियांक एंड अजमुन वर स्टैंडिंग इन अ पार्क विद योर बैक टुवर्ड्स ईच अदर। टाइम सनराइज का है, पर यहाँ पे वो फेसिंग नहीं है, वो बैक उनकी एक दूसरे की तरफ है, यानी फेसिंग अवे फ्रॉम ईच अदर है। तो इधर बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी बच्चे, आंसर बताइए जल्दी से, यहां पे क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलो तो ऑब्जेक्ट हमारा है प्रियांक एंड अजमुन, उन्होंने एक दूसरे की तरफ अपनी बैक की हुई है, मतलब फेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, ठीक है। और उसके बाद उसने शेडो का क्या बोला कि प्रियांक की शेडो छोड़ो, किसकी शेडो है लेना देना नहीं है, पढ़ कहाँ रही है? एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड साइड, प्रियांक के लेफ्ट में। तो प्रियांक का लेफ्ट इधर है, तो यहाँ पे शेडो है, यहाँ शेडो है, तो यहाँ सन है। टाइम सनराइज का है, जहां सन है वो मेरा ईस्ट है, ठीक है। ये आपका क्या होगा? ईस्ट। तो सामने ये क्या होगा आपका? वेस्ट। ऊपर फिर आपका क्या होगा? साउथ। और नीचे आपका क्या होगा? नॉर्थ। क्योंकि अगर ईस्ट और वेस्ट आपस में बदला है तो इनको भी आपस में बदलना पड़ेगा। तो उसने क्या पूछा कि अजमुन कहां फेस कर रहा है? तो जहां अजमुन फेस कर रहा है वो डायरेक्शन कौन सी है? साउथ। तो आंसर आपका क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ओके बच्चे, सब कुछ मिलेगा जो कुछ आपको चाहिए, बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करिए, साइन अप करिए। उसके बाद आपको जो लिंक है उसके बाद आपको ओपन करोगे तो वहां पे साइन अप करोगे, उसके बाद सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो जो आपको चाहिए सब कुछ, चाहे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है। चलिए ओके हाँ जी, तो यहाँ पे आपका ये हो गया। फिर ये एक दूसरे से अवे फेसिंग थे ना, तो यहाँ पे उसके हिसाब से हमने किए। शेडो प्रियांक के राइट में थी, सॉरी प्रियांक के लेफ्ट हैंड साइड में शेडो थी, तो सन उसके ऑपोजिट हो गया। जहां सन था, क्योंकि सनराइज का टाइम है, उसको हमने ईस्ट ले लिया। उसके हिसाब से चारों डिफाइन करने के बाद आपसे वो जो पूछ रहे हैं कि अजमुन कहाँ फेस कर रहा है, वो साउथ फेस कर रहा है। ओके डन। हाँ जी हिमांशु, उसकी अपनी लेफ्ट साइड में है, ठीक है। उसकी शेडो जो है उसकी अपनी ही लेफ्ट साइड में है, उसने हिज वर्ड यूज किया है। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनसेट का क्वेश्चन आ गया है, ये वाला करिए। जसप्रीत कोई बात नहीं, आप जो नंबर है उस पर कॉल कर लेना, जो आपके पास हो वहाँ पे जो नंबर अवेलेबल है, ठीक है, उस नंबर पे कॉल करके आप एक बार बात कर लेना। हाँ जी बच्चे आंसर, सनसेट का टाइम है, ध्यान देना। सनसेट के टाइम पे जहां सन आएगा उसको हम क्या लेंगे? वेस्ट लेंगे, ठीक है। तो चलिए, वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स जीवन एंड आशीष वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। दो दोस्त थे जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू फेस, और वो दोनों कौन है? जीवन और आशीष, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि आशीष की शेडो जो है उसकी राइट साइड पे है, फेसिंग के हिसाब से देखो इसका राइट इधर होगा,
तो यहाँ पे उसकी शेडो है, तो सामने यहाँ पर उसका सन होगा, तो इवनिंग टाइम में जहां पे सन है उसको हमें क्या लेना होगा, वेस्ट। तो ये वेस्ट है, तो सामने ये होगा ईस्ट, ऊपर जाएगा नॉर्थ और नीचे होगा साउथ, क्योंकि सनसेट का टाइम है इसलिए जहां पे सन है उसको हमने वेस्ट लिया। तो उसने पूछा कि जीवन कहाँ फेस कर रहा है, तो जीवन जहां फेस कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। क्लियर? तो सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, डी ऑप्शन, साउथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। चैप्टर अब आपका कंप्लीट है, अब इसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, इसका आंसर बताइए। हाँ जी, अंकुर स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। उसने सन की तरफ अपनी बैक की हुई है, पर उसने ये नहीं बताया कि टाइम कौन सा था, सनराइज का टाइम था कि सनसेट का टाइम था, ये उसने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम। अब आप एक चीज देखो, हम इसको ना दो, क्योंकि आंसर भी आप देख सकते हो इधर और के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपने पहले तो ये मान के चलना है कि या तो वो ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट। एक्चुअली अगर सन वेस्ट में है तो वो ईस्ट देख रहा है, अगर सन ईस्ट में है तो वो वेस्ट देख रहा है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, ईस्ट और वेस्ट। उसके बाद उसका टर्न क्या है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट का। तो लेफ्ट राइट और लेफ्ट का आपका टर्न है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर सकते हैं, अभी जो हमने मेथड किया था उस हिसाब से। ठीक है, तो ईस्ट के लेफ्ट में क्या होता है, हाँ जी, ईस्ट के लेफ्ट में अगर आप देखो होगी कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ। और वेस्ट के लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट के लेफ्ट में होगा साउथ। ठीक है, क्लियर? सो आंसर आपका यहां पे क्या होगा कि वो अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर होगा इधर नॉर्थ और साउथ, कि वो या तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है या फिर वो साउथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। डायरेक्शंस में जो हमने क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं, हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह का पॉइंट हमने कवर किया है। आपको ज्यादा पॉइंट अगर दे दे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और आपको अगर सिंगल पॉइंट दे दे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, शेडो वाले हमने कर लिए, डिग्री वाले, टर्न वाले हमने क्वेश्चन कर लिए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, राइट? तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। सिलेबस तो पूरा ही करना है, बट हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। ठीक है, सो अब इसके बाद आपकी हिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, जीपी सर आ गए हैं और वो आपकी हिस्ट्री की क्लास अब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। दोबारा आ जाता है वो। बस गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग स्टार लक्की, गुड इवनिंग जी। कल दे लेक्चर दे विच किसी ने कोई डाउट तो नहीं, कल दे लेक्चर दे विच किसी ने कोई डाउट, कोई शक शंका, कोई सवाल? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जसप्रीत, गुरप्रीत शाही आ गया, दिशु सैनी, जसप्रीत, करमजीत कौर, जॉन क्राइस्ट, श्वेता महाजन, जसकरणवीर सिंह, चंद्र वर्मा, प्रिंस राय, मोहित कुमार। ठीक है जी,
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ PPT ਪਾ ਲਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਜਾਇਓ ਨਾ ਇੱਥੇ
किसी ने कप टी पी से चाह चू पीन गए ने? नहीं चाह नहीं पीन गया जी, इत्थे आ, कोई गल नहीं जी। अच्छा अपना दोस्तों जिहड़ा अज दा टॉपिक है ना, अपना अज दा टॉपिक है सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स, ठीक है जी। सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स, ठीक है जी, सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स। ठीक है जी, सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट। भैया इसको यार ऑन करना, वो जो स्क्रीन है ना ऑन करके पेन और वो सेट करके दो जरा। सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स, ठीक है जी। इसको पेन और वो नहीं ना चलता इसके ऊपर, वो सेट करके दो, इसका कलर वगैरह चेंज करके। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं नहीं आ रहा ना इसके ऊपर से, वो साइड में से। इसकी ऑप्शन कहाँ आएगी वो? यही लग रहा है मुझे, है ना। हाँ हो गया हो गया हो गया, बस हो गया। अरे कौन सा खोला था हमने? नहीं नहीं बंद करके दोबारा खोलना पड़ेगा, अभी क्या कर दिया। ठीक है चल गया था वो, दोबारा इसको सेट करो, दोबारा बंद तो कर दिया मैंने, चल गया। चलो इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी। दोस्तों आज दा जेड़ा अपना टॉपिक है वो है सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स। हो गया सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट, ठीक है जी। हाँ सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स, ठीक है ठीक है। अच्छा इधर ग्रीन स्क्रीन करके दिखता नहीं है कलर, पेन का चेंज करा वाइट कर ला बस। ठीक है सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट, ठीक है जी। चलो गल्लां बातां बथेरियां हो गईयां, हुण सोशल एंड जिथे कल्चरल मूवमेंट की गल आती है तो सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स है कैड़ियां ने? वैसे सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट का बेसिकली सवाल यह आता है कि सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स का होने का कारण की सीगा। कुछ मेन मेन थोनों एग्जाम्पल दे दें सर, वाइसराय भी करावे जी, वाइसराय भी वाइट कलर भी कर लिया वाइट, कोई ना फिक्र ना करो। सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट जिदा ब्रह्मो समाज सीगा, आर्या समाज है, ठीक है, रामकृष्ण मिशन सीगा, द्योबंदी मूवमेंट सीगी, अलीगढ़ मूवमेंट सीगा, फॉर एग्जाम्पल इदा दियाँ काफ़ी सारी मूवमेंट सीगियाँ। बेसिकली मकसद की सीगा, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट चलाने दे चलन दे तीन चार कारण सीगे। सोसाइटी का रिवाइवल जिहड़ा सीगा, कि कुछ सुपरस्टिशियस चीज़ां चल दियाँ सीगियाँ, पखंडवाद अंधविश्वास सोसाइटी चलता सीगा, एक कारण वो सीगा।
उस तो अलावा की सीगा वैसटन एजुकेशन की प्रमोशन सीगा, वैसटन एजुकेशन की प्रमोशन तो बाद ठीक है जी क्रिश्चियन मिशनरीज का रोल सीगा, प्रेस का रोल सीगा, ठीक है इदां दी सारी चीज़ां दे अगेंस्ट जिहड़ियां सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स चलियां, कुछ रिफॉर्म्स सीगे, कुछ रिवाइवल सीगा, ट्रांसफॉर्मेशन सीगी, ठीक है डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स चलियां जिहड़ियां चलाईयां गईयां, ठीक है जी राम कृष्ण, हाँ जी हाँ जी बोर्ड ब्लैक ते वाइट पेन, ठीक है जी ब्लैक ते येलो कलर कोई गल नहीं जी, कलर कुलर सारा कुछ हो गया, आपां फिलहाल इन्हां चीज़ां वल ध्यान दिंदे हां, है ना जिहड़ी चीज़ आपां इस वल ध्यान दिंदे हां जिहड़ी अपनी चीज़ है, ठीक है जी इस चीज़ वल ध्यान दिंदे हां। तो सब तो पहली जी अपनी मूवमेंट है दोस्तों, सब तो पहली जी मूवमेंट है वह कि ब्रह्मो समाज, सब तो पहली जी मूवमेंट है वह कि दोस्तों ब्रह्मो समाज मूवमेंट, फस्ट जी मूवमेंट है वह कि ब्रह्म, गुड ईवनिंग जी गुड ईवनिंग, ठीक है जी सब तो पहली मूवमेंट कि ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज का पढ़ाओ सर जी कमेंट्स कर, ठीक है जी ठीक है बिल्कुल कमेंट भी पढ़ने पैंदे ने, फिर कुछ बच्चे नाराज हो जाते हैं कि साड़ी गल नहीं सुनी, ठीक है चलो ब्रह्मो समाज का फाउंडर किनू मन्या जाता है, ब्रह्मो समाज का राजा राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज का फाउंडर किनू मन्या जाता है राजा राम मोहन राय, ठीक है जी एक क्वेश्चन आता ब्रह्मो समाज तो कि ब्रह्मो समाज फाउंड करन तो पहला राजा राम मोहन राय ने कि ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की, ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ 1814 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਜ ਕਰਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਸਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਦਿਮ ਸਮਾਜ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਆਤਮੀ ਸਭਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਤਮੀ ਸਭਾ, अपने कोल की है आंसर आत्मीय सभा, 1814 दे विच एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुंदी है आत्मीय सभा, आत्मीय सभा नूं 1828 दे विच मर्ज कर दिता जांदा है किहदे च, ठीक है जी ब्रह्मो समाज दे विच, किहदे च मर्ज किया जांदा है ब्रह्मो समाज दे विच, हुण जिहड़ा राजा राम मोहन राय सीगा राजा राम मोहन राय ने किहड़ी चीज़ नूं प्रमोट किया मोनोथिज़म नूं, राजा राम मोहन राय ने किहड़ी चीज़ नूं प्रमोट किया मोनोथिज़म नूं, मोनोथिज़म नूं, मोनोथिज़म की हुंदा बिलीव इन वन गॉड, ये क्वेश्चन आंदा है कि तुहानूं चार तीन चार इदां दे टर्म्स दे देणगे कि दसो इन्हां चों कि चीज़ नूं प्रमोट किया राजा राम मोहन राय ने मोनोथिज़म नूं, मोनोथिज़म का मतलब हुंदा बिलीव इन वन गॉड, ठीक है जी ठीक है ठीक है जी। द्वारका नाथ टैगोर नहीं जी देवेंद्रा नाथ टैगोर सीगे, उन्हां दी भी गल करांगे कोई गल नहीं, ठीक है मोनोथिज़म नूं प्रमोट किया, मोनोथिज़म का मतलब हुंदा बिलीव इन वन गॉड, राजा राम मोहन राय ने प्रमोट किया, इस तो अलावा राजा राम मोहन राय ने वैसटन एजुकेशन नूं प्रमोट किया, इस तो अलावा वैसटन एजुकेशन नूं प्रमोट किया, काफ़ी सारे कॉलेज ते स्कूल्स खोले, क्रिश्चियन मिशनरीज़ नूं हैल्प की, स्कूल खोलण दी कॉलेज खोलण दी जिहदे विचों नाम आंदा वेदांता कॉलेज का, ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट ने, नाम आंदा वेदांता कॉलेज का 1825 दे विच जिहड़ा राजा राम मोहन राय ने खोलिया वैसटन एजुकेशन नूं प्रमोट करन दे लई वेदांता कॉलेज, कोई गल नहीं जी अमनप्रीत सिंह जी पीपीटी भी आ रही है, पीपीटी भी कोई ना पीपीटी नाल करदे आपां टेंशन ना लो, पंजाब हिस्टरी भी करांगे सारा कुछ करांगे, हाँ जी हाँ जी सारा कुछ करांगे, वूमेन वर्क्स सब कुछ सीगा भैया वो देखिया ना पीपीटी होगी उहदे चों दिओ मड़ जी पेन ड्राइव च लैणी सीगी पा के, ठीक है इह चीज़ होगी डन। हुण अगे आपां गल करदे हां, ठीक है ये हो गया वेदांता सोसाइटी, वेदांता कॉलेज सीगा वेदांता सोसाइटी सारा कुछ, ठीक है हुण अगे आपां गल करदे हां, राजा राम मोहन राय ने कुछ इंपोर्टेंट बुक्स वगैरह भी लिखियां, बेसिकली राजा राम मोहन राय ने की किया वैसटन एजुकेशन नूं प्रमोट किया, वूमेन अपलिफ्टमेंट नूं प्रमोट किया, थोनू सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट चो क्वेश्चन कित्थों आंदा है, दो तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन, ठीक है होगी ये लगा दो कितने लगेगी, अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी कोई नहीं, हाँ कोई नहीं ठीक है जी। राजा राम मोहन राय ने किस चीज़ नूं प्रमोट किया, राजा राम मोहन राय ने वैसटन एजुकेशन नूं प्रमोट किया, ठीक है राजा राम मोहन राय ने वैसटन एजुकेशन नूं प्रमोट किया, वैसटन वूमेन एजुकेशन नूं प्रमोट किया, ठीक है जी। हलो
ठीक है जी, ये आ गई थोड़ी पीपीटी, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिल्कुल जी बिल्कुल, डन, कोई नहीं। ठीक है, हुण रीजन की सी कि सोशल एंड कल्चर अपराइजिंग, आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लैने, सोसाइटी दे विच कुछ सोशल ईवल चलते सीगे, सोसाइटी दे विच कुछ सोशल ईवल चलते सीगे, केड़े केड़े ईवल सीगे, सती सीगा, फीमेल इनफेंटीसाइड सीगा, ऐदां दे सीगे, विडो रीमैरिज की गल सीगी, फिर रिलीजियस सुपरस्टिशियस बिलीव सीगे लोगों के, वैसटर्न एजुकेशन का प्रभाव सीगा, एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चन मिशनरी सीगा, प्रेस का रोल सीगा, इन्हां सारी चीज़ों को प्रमोट करन दे लई, बिल्कुल सारा कुछ करते हैं, टेंशन ना लो तुसी। ठीक है, हुण इंपोर्टेंट जिहड़े रिफॉर्म मूवमेंट की आप गल की, सब तो पहला आप ब्रह्मो समाज की गल करांगे, जिहदी गल की आप शुरू कर लिया है, बिल्कुल जिहड़ा राजा राम मोहन राय सीगे इहनूं की कहा जांदा सीगा, फादर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, फादर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, एक बेंगोली ब्राह्मण फैमिली दे विच पैदा होया राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, जिन्ने भी बंदे देख रहे ने, जिन्ने भी बंदे 99 बंदे अपने नाल जुड़े हुए ने, मैं थोड़ा एक सवाल पूछदा है, 103 बंदे हो गए, एक सवाल पूछदा है कि राम मोहन राय नाम का एक बंदा सीगा, एक बंदा सीगा राम मोहन राय, इहनू राजा का टाइटल किने दिता, इहनू राजा का टाइटल देने वाला बंदा कौन सीगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन पेपरों में रिपीट होया, एक बंदा सीगा राम मोहन राय जिहड़े नाम दे नाल, ठीक है, राजा लग गया, ये राजा का टाइटल किने दिता, राम मोहन राय नू राम मोहन राय नू राजा का टाइटल किने दिता, गुरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं अकबर टू, अमनदीप कौर सिद्धू अकबर टू, निकिता बाली कह रहे हैं अकबर टू, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है जी, अकबर टू मुगलों के डिकलाइनिंग पीरियड के विच एक राजा होया, अकबर टू, अकबर टू, ठीक है, 1806 तो लेके 1837 तक राजा होया अकबर टू, जिन्हें इनू इंग्लैंड भेजा पढ़न दे लई, इनू राजा का टाइटल दिता राजा राम मोहन राय नू। अगे चलते हैं, इनू फस्ट मॉडर्न मैन कहा जाता है, क्योंकि इन्हें सब तो पहला सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स के पोलीटल रिफॉर्म जोड़े है वो शुरू किए ने राजा राम मोहन राय ने, इन्हें शुरू किए तो इनू की कहा जाता है, एक तो इनू फादर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है, एक इनू की कहा जाता है फस्ट मॉडर्न मैन, डन, फस्ट मॉडर्न मैन भी राजा राम मोहन राय नू कहा जाता है। अगे इनू बहुत सारी लैंग्वेजिज आदि सीगियाँ, जिमें कि परशियन, अरेबिक, संस्कृत, इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक, हिब्र्यू, सारियाँ इन्हें क्यों स्टडी की, ताकि ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चरस की बारे स्टडी कर सके, लिटरेचर पढ़ सके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का, उन्हों का जी आप पहला गल की है कि मोनोथिजम प्रमोट किया, डॉक्ट्राइन ऑफ द यूनिटी ऑफ गॉड, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का विरोध किया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिल्कुल ठीक है, विरोध किया, डन, मूर्ति पूजा का विरोध किया, मोनोथिजम प्रमोट किया। अगे चलते हैं, 1803 दे विच इन्हें एक किताब लिखी, इन्हें एक परशियन जर्नल ट्रीटाइज जिहड़ा हैगा पबलिश किया, ठीक है, उहदा की नाम सीगा, ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपरों के क्वेश्चन आता है, खास करके पंजाब के पेपरों के विच, कि गिफ्ट टू मोनोथीस्ट किने प्रमोट किया, किने लिखिया गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, या इहदा दूजा नाम की सीगा, तुहफत उल मुवाहिदीन, तुहफत उल, ठीक है, इहदे बारे कदे अज तक क्वेश्चन नहीं आया, नाम बारे क्वेश्चन आंदा गिफ्ट टू मोनोथीस्ट का, किने लिखिया, ऑथर कौन सीगा, ठीक है, जिहदे विच इहने मोनोथिजम नूं जिहड़ा हैगा उहदा कंसैप्ट एक्सप्लेन किया कि मोनोथिजम बेसिकली चीज की होंगी है, मोनोथिजम, बिल्कुल जी बिल्कुल, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, गॉड ऑफ हेड का की मतलब है जी, ठीक है जी, एक रब, गॉड ऑफ हेड मतलब एक रब, चंद्र वर्मा जी, मोनोथिजम मीनस वन गॉड यूनिटी, ठीक है जी, बुक्स जी आप पहला डिस्कस की, तूफत मुआहिदीन, गिफ्ट टू, इस तो अलावा द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनैस, तीजा परसैप्ट ऑफ जीजस, आ तीन किताबा ने जड़िया लिखिया ने, तीन किताबा ने, ठीक है जी, गिफ्ट टू गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, तीजा परसैप्ट ऑफ जीजस, परसैप्ट ऑफ जीजस, ये तीन इंपॉर्टेंट किताबा ने जड़िया किने लिखिया ने, राजा राम मोहन राय ने। अगे चलते हूँ, ठीक है जी, पेपर केड़े केड़े लिखे ने, पेपर दो पेपर लिखे ने, संवाद कौमुदी इंपॉर्टेंट है, संवाद कौमुदी, दूजा इन्हें पेपर लिखिया मिर्त उल अखबार, दूजा पेपर लिखिया केड़ा मिर्त उल अखबार,
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਰਨਲ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਰਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਰਸਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਿਰਤੁਲ ਅਖਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ। ਇਹਦੀ ਐਫਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ। ਇਹਦੀ ਐਫਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਵੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤੀਆ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ। ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਦੋ ਬਣ ਗਏ, ਦੋ ਸੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਟ ਗਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਫਰਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬਫਰਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈੱਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਪੇਪਰ ਲਿਖੇ, ਸੰਵਾਦ ਕੌਮੁਦੀ ਤੇ ਮਿਰਤੁਲ ਅਖਬਾਰ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਰਸਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਰਵਿੰਦਰਾ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ। ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਕਰੀਨ, ਸਕਰੀਨ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨਿਕਿਤਾ ਬੰਸਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈੱਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਡਨ। 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ, ਤੱਤਵ ਬੋਧਨੀ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੱਤਵ ਬੋਧਨੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟੇ, ਦੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ 'ਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ। ਸਾਰੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਵਾਈਟ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਹੈਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਨ। ਇਨਹੈਂਸ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਿਕਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ। ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ। ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ, ਕੇਸੀ ਸੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਰਰ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਡੇਲੀ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਰਰ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਸੇਨ ਨੇ, ਡਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਪਾਂਡੂਰੰਗਾ 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2018 ਦਾ, ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੋਂ 2018 ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ 'ਚੋਂ, ਦੂਜਾ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਡਨ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਵੇਦਾ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੇਦਾ ਸਮਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੇਦਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਇਡੂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਵੇਦਾ ਸਮਾਜ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਸੀਗਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਤਾ ਦ੍ਰਵਿੜੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਦਾ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੇਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ।
फिर आंदा इन्हां तो एक होर अड्ड होया वा साधारणा ब्रह्मो समाज, इहदा फाउंडर सीगा शिवानंद शास्त्री, इहदा फाउंडर सीगा शिवानंद शास्त्री। डन, ठीक है जी एस पी सिंह जी, बिल्कुल दोबारे एक बार सुन लो, दोबारे दस दें एक बार दोबारे डिस्कस कर लें। सब तो पहला अपने को ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन सीगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्मो समाज उसकी डैथ तो बाद 1833 तो बाद जिहड़ा ब्रह्मो समाज सीगा दो हिस्सों च टुट गया, एक उहदे च बनिया आदि ब्रह्मो समाज, दूजा उहदे च बनिया भारतीय ब्रह्मो समाज। डन, हुण आदि ब्रह्मो समाज का फाउंडर सीगा दविंद्रनाथ टैगोर, जिहड़ा रविंद्रनाथ टैगोर का फादर सीगा। भारतीय ब्रह्मो समाज का फाउंडर सीगा केशव चंद्र सेन। ठीक है, फिर भारतीय ब्रह्मो समाज चो प्रार्थना समाज टुटिया, वेदा समाज टुटिया, साधारण ब्रह्मो समाज टुटिया। सा ये सारी ऑर्गेनाइजेशन तुसीं याद रखने, फाउंडर याद रखने ने इन्हां दे। डन, अगे चलते हैं। सैकेंड आ गया जी अपने को आर्या समाज, दूजा आ गया दोस्तों अपने को आर्या समाज। आर्या समाज का 1875 दे विच फाउंड होंदा है बॉम्बे दे विच, 1875 दे विच फाउंड होया किथे? बॉम्बे दे विच। फाउंड करने वाला बंदा कौन सीगा? मूल शंकर, जिहड़ा किहड़े नाम नाल मशहूर होया? दयानंद सरस्वती दे नाम दे नाल। जिहड़ा किहड़े नाम नाल मशहूर होया? दयानंद सरस्वती दे। ठीक है जी, कैपरीकॉर्न बिल्ली। डन, ये चीज होगी। ये एक रिवाइवल मूवमेंट सीगी, रैदर दैन रीफॉर्मेशन नहीं सीगी। मतलब आर्या समाज वाले की कहंदे सीगे कि सानू जिहड़ा हिंदू समाज है उहनू रिवाइव करना है, उहनू रिवाइव करना। तां ये एक रिवाइवल मूवमेंट सीगी, रैदर दैन रीफॉर्मेशन नहीं सीगी। जिहड़ा आर्या समाज सीगा फाउंड कीने कीता? मूल शंकर ने, यानी दयानंद सरस्वती ने, 1875 बॉम्बे दे विच। फिर एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कई पेपरां च रिपीट होया क्वेश्चन, थोनू सीधा पूछ लेंदे ने कि दसो किहड़ा सोशल रिफॉर्मर सीगा जिन्हें एक स्लोगन दिता गो बैक टू द वेदास। एक गल, दूजा स्लोगन पुछदे आ इंडिया इज ए चूजन लैंड या एंड आर्यंस वर चूजन पीपल। ये जिहड़ी गल्लां ने, एक कोर्स ने किने कहे, ये स्लोगन किने दिता, गल्लां किने कहियां? तां आंसर की है? दयानंद सरस्वती। आंसर की है? दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट है, गो बैक टू द वेदास। ये तो दो तीन साल पहला पंजाब के किसी पेपर च आया हुआ सीगा। हुण बिल्कुल जी, आर्या समाज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आर्या समाज नॉर्थ इंडिया च फैलिया, खास करके पंजाब दे विच। ता आर्या समाज तो पंजाब दे पेपरां दे विच क्वेश्चन आण दी पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहिंदी है, क्योंकि आर्या समाज नॉर्थ इंडिया च बहुत फैलिया, खास करके पंजाब दे विच। जिहड़ा पंजाब वाला एरिया, इत्थे आर्या समाजियां दा प्रेजेंस अज भी हैगा। ठीक है जी, डन। तां दयानंद सरस्वती ने तीन कंसैप्ट दिते, एक उन्हें तीन नवे चीज़ां दित्तियां, उन्हें कहा जाता कंसैप्ट नूं कंसैप्ट ऑफ 3S। 3S का कंसैप्ट दिता उन्हें। पहला कंसैप्ट दिता स्वधर्मा का। स्वधर्मा का कंसैप्ट की सीगा कि किसी भी बंदे नूं अपने हालत दे विच अपना धर्म, किसी भी हालत दे विच अपना धर्म नहीं छड्डना चाहिए। एक गल, दूजा स्वभाषा, कि कोई भी जिहड़ी बाहरी बोली है वह बोली बाहरी नहीं बोलनी चाहिए, अपनी बोली नूं कदे भी हीन भावना नाल नहीं देखना चाहिए। तीजा स्वराज, के फॉरन डोमीनेशन, दूजी धरती से डोमीनेशन नहीं होनी चाहिए, स्वराज यानी सैल्फ रूल, खुद के जोड़ा रूल है वह होना चाहिए। ये 3S का कंसैप्ट। ठीक है, जोड़ा किने दिता? हूँ थोड़ू पास्ट के क्वेश्चन किदा दे आए हो, थोड़ू पूछे ऑप्शन के तीन दे देंगे, थोड़ू पूछूंगे दसो इन चो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कंसैप्ट नहीं दिता। ठीक है, जोड़े पास्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। डन, बिल्कुल जी बिल्कुल, अगे चलते हैं। आर्या समाज हो गया क्लीयर, ये अगे चलते हैं। ठीक है, हुण 1882 दे विच दो कॉन्ट्रावर्शियल प्रोग्राम शुरू हुए आर्या समाज वाले ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दो इदा के प्रोग्राम शुरू किए जिन्हों के उपर बहुत रौला पिया, जिन्हों के उपर बहुत ज़्यादा रौला पिया। एक तो सीगा काओ प्रोटैक्शन मूवमेंट वाला, कॉन्ट्रावर्शियल सीगे बहुत ज़्यादा है। दूजा सीगा शुद्धी मूवमेंट। शुद्धी मूवमेंट इन्होंने कहा कि जिन्हों बंदियां दे धर्म बदल गए, जिहड़े बंदे पुराने टाइम दे विच धर्म जिहड़ा चेंज कर लिया, उन्होंने दोबारे शुद्ध करके अपने धर्म च वापस लेके आना है। तो फिर जिथे धर्म आ गया, इदा दी गल्लां आ गया, तो उत्थे जिहड़ा रौला पैना वह कुदरती आप ही बड़ा बच जाता है। ठीक है, तो यह दो इदा दी मूवमेंट सीगियां जिन्हां करके आर्या समाज वाले दे नाल बड़ी कॉन्ट्रवर्सी हुई। ठीक है जी, 1892 स्वामी दयानंद सरस्वती की डैथ तो बाद जिहड़ा आर्या समाज है वह दो हिस्सों च वट गया।
ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ, ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬੰਦੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਨ ਜੀ ਡਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਰੈਡੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬੰਦੇ, ਨਰਮ ਤੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਹੰਸ ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੰਸ ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਕੁਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੈੱਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗਾ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀਕਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਡੀ ਏ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ, ਦਯਾਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਯਾਨੰਦ ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਬਣੇ ਰੈਡੀਕਲ ਬੰਦੇ। ਰੈਡੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਣਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਰੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਨ। ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਓਸੋਫਿਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥੀਓਸੋਫਿਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਥੀਓਸੋਫਿਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਲਕੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਕੋਟ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੀ ਮੈਡਮ ਬਲਾਵਤਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ। 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1875 'ਚ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਓਕੁਲਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੂਣੇ ਟੋਟਕੇ ਵਾਲੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਚਾਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਓਸੋਫਿਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ, ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਥੀਓਸੋਫਿਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣੀ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਨ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੀਓਸੋਫਿਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਫਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਰਨਲ ਔਰਕੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ USA ਦਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੈਡਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਬਲਾਵਤਸਕੀ, ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਓਕਲੂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਯਾਨੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ, ਟੂਣੇ ਟੋਟਕੇ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਟੂਣੇ ਟੋਟਕੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੰਘ ਜਾਏ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦਾ
कोई शॉर्टकट होंदा है ना, कोई इदां दी चीज़ दुनिया दे विच एग्जिस्ट करती है, ये टूने टोटके जादू टोटके, बट ये सोसाइटी उस चीज़ के उपर बेस्ड सीगी, तुसीं याद रखना। हुण 1879 दे विच इन्हां ने अपना हैडक्वाटर शिफ्ट किया न्यूयॉर्क टू अदियार तमिलनाडु। इन्हां ने अपना हैडक्वाटर शिफ्ट किया न्यूयॉर्क तो अदियार तमिलनाडु दे विच। बुक लिखी एच पी ब्लावत्सकी, जिहड़ी मैडम ब्लावत्सकी सीगियां ने बुक लिखी सीक्रेट डॉक्ट्राइन, सीक्रेट डॉक्ट्राइन। ये उपर क्वेश्चन दो बार आया पिछले 10 साल, वैसे ज़्यादा नहीं आया। सीक्रेट डॉक्ट्राइन, सीक्रेट डॉक्ट्राइन बुक किने लिखी सी, किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे नाल जुड़ी हुई सी, इदां दे क्वेश्चन पुछदे ने। ठीक है सर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन पेड कोर्स। इत्थे पेड कोर्स नहीं है जी सुशील कुमार जी, सारा कुछ थोड़े लिए फ्री है, फिक्र ना करो। पेड दे विच भी जे कितों पेड लोगे तो इस तो घट ही मिलनगियां तुहानू, चीज़ां वध नहीं मिलनगियां। ठीक है डन, आ गई चीज़ा, पेड़ पूड़ वाला मसला नहीं हैगा, ये सारा कुछ फ्री है, तो सारी कुछ चीज़ा थोड़ू सीरीयसली चंगे तरीके नाल कराई जा रही हैं। ठीक है, ये तो मन दे विच बहम नहीं रखना चाहिए आपां, कि जिहड़ी चीज़ा पेड़ ने उही चीज़ा वधिया हुंदियां ने। ठीक है, तो आपां जिहड़ा सारा कुछ कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। इस तो बाहर जे कोई क्वेश्चन आ गया मैं तुहानू रोज़ चीज़ रिपीट करदा तां गल कर लांगे आपां। ठीक है, ये चीज़ हो गई डन, अगे चलते हैं। फिर आंदा जी अपना रामकृष्ण मूवमेंट, रामकृष्ण मूवमेंट नैक्सट अपना आ गया रामकृष्ण मूवमेंट। हुण रामकृष्ण मूवमेंट का फाउंडर कौन सीगा? स्वामी विवेकानंद, जिहदा असली नाम की सीगा नरेंद्र नाथ दत्त, जिहदा असली नाम की सीगा नरेंद्र नाथ दत्त। डन, अपने गुरु जिहड़ा गुरु का नाम की सीगा रामकृष्ण परमहंस, उन्हां दी डैथ तो 11 साल बाद स्वामी विवेकानंद ने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, ऑर्गेनाइजेशन का मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट का नाम की सीगा रामकृष्ण मूवमेंट। 1896-97 के विच दो ऑर्गेनाइजेशन ने फाउंड कीतियां। ठीक है, हैडक्वाटर बनाया बैलौर कलकत्ता के नेड़े, हैडक्वाटर बनाया कितने? बैलौर कलकत्ता के नेड़े। 1896-97 दो ऑर्गेनाइजेशन खोलियां, एक सीगी रामकृष्ण मठ ते दूजी सीगी रामकृष्ण मिशन। ध्यान नाल सुनियो, स्वामी विवेकानंद ने दो खोलियां, एक सीगी रामकृष्ण मठ ते दूजा सीगा रामकृष्ण मिशन। जिहड़ा दा रामकृष्ण मठ सीगा वह तो स्पिरिचुअल काम करता सीगा, अध्यात्मक काम, ते जिन्ना भी चैरिटी का गरीब लोगों की मदद सारा कुछ काम करता सीगा, वह करता सीगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सीगा ना दा रामकृष्ण मिशन। डन, तो रामकृष्ण मूवमेंट का फाउंडर कौन है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने की किया? 11 साल बाद अपना गुरु सीगा रामकृष्ण परमहंस, उन्हां दी डैथ तो 11 साल बाद एक ऑर्गेनाइजेशन खोली 1896-97 जिन्हों दो पार्ट दे विच बंडता, हैडक्वाटर बनाया बैलौर कलकत्ता, दो भाग दे विच बंडता, एक सीगा रामकृष्ण मठ, दूजा सीगा रामकृष्ण मिशन। मठ का काम सीगा जिहड़ा स्पिरिचुअल अध्यात्मक ज्ञान देना, रामकृष्ण मिशन का काम सीगा चैरिटेबल काम करना। डन, फिर इन्हां ने USA दे विच, यूरोप दे विच वेदांता सोसाइटीज़ खोलियां, वेदांता सोसाइटीज। डन, फिर एक क्वेश्चन आंदा इन्हां दे जर्नल तो, इन्होंने दो जर्नल लिखे, दो रसाले, एक का नाम सीगा प्रबुद्धा भारत, दूजे का नाम सीगा उदो बोधना। जिहड़ा प्रबुद्धा भारत सीगा वह इंग्लिश च सीगा, उदो बोधना सीगा बेंगोली च। प्रबुद्धा भारत इंग्लिश दे विच, उदो बोधना बेंगोली दे विच। डन, ठीक है जी, कोई गल नहीं, अगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन थोड़ा इस तो आता है कि आफ्टर द डैथ ऑफ स्वामी विवेकानंद, इन्हों की डैथ तो बाद किने रामकृष्ण मूवमेंट का जोड़ा काम है वह सामभ के रखे, किनू हैड बनाया गया, कौन सीगा इदा की इंपोर्टेंट तो फेमस परसनैलिटी जिन्हें रामकृष्ण मिशन कंटिन्यू रखे आफ्टर द डैथ ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो नाम की सीगा मारगरेट नोबल, एक आयरिश लेडी सीगी, आयरलैंड की आयरिश लेडी सीगी, जो इंडिया दे विच कहा जाता सीगा सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता, मारगरेट नोबल। डन, एक क्वेश्चन आंदा तुहानू इस पॉइंट तो कि स्वामी विवेकानंद ने अमरीका दे केड़े शहर दे विच रिलीजियस स्पीच दित्ती है, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड कीती जिहड़ी पूरी दुनिया दे विच बहुत ज़्यादा फेमस हुई 1893 दे विच शिकागो दे विच, 1893 दे विच शिकागो दे विच स्वामी विवेकानंद ने एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड की जिहड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। उस स्पीच का जिक्र अज भी लोग करते हैं। ठीक है,
तो स्वामी विवेकानंद ने वो स्पीच 1893 शिकागो च अटेंड की, दो जर्नल लिखे, मार्गरेट नोबल ने कम इन्हों की डैथ तो बाद कंटिन्यू रखा। यह जी थोड़ा राम कृष्ण मूवमेंट, अगे चलते हूँ डन, अगे आ गया थोड़ा सत्याशोधक समाज। नैक्सट है दोस्तों थोड़ा सत्याशोधक समाज, सत्याशोधक समाज ठीक है जी, ठीक है लो मैं पिछे कर देना, कोई नहीं तुसी कर लो, थोनू नोट्स दे विच दिया जाएगा जी, सुशील कुमार जी सारा कुछ थोनू नोट्स दे विच नाल दी नाल प्रोवाइड करावांगे, डन सारा कुछ ठीक है जी, डन। अगे चलते हैं अपना नैक्सट है सत्याशोधक समाज, ठीक है। अज असी वीडियो वगैरह के थ्रू शायद थोनू दस्या है कि थोनू नोट्स वगैरह किदां डाउनलोड करने ने, ते सारा थोड़ा की प्रोसैस रहेगा नोट्स का, तो वैबसाइट वगैरह किदा एक्सैस करनी है, सारा कुछ थोड़ा क्लीयर करता अज, डन। अगे चलते आप सत्याशोधक समाज, सत्याशोधक समाज किने फाउंड किया, ज्योति राव गोविंद राव फुले, 24 सितंबर 1873 2021 एस आई दे विच, जिहड़ा एस आई का एग्जाम हुण बाद च चाहे वह कैंसल हो गया ठीक है, जिहड़ा एस आई का पेपर सीगा उहदे विच दो शिफ्टां दे विच क्वेश्चन सीगा, दो अलग अलग दिन, एक बार क्वेश्चन आया इस तो कि गुलामगिरी बुक किने लिखी, तो दूजा क्वेश्चन आया सत्याशोधक समाज किने फाउंड किया, सत्याशोधक समाज फाउंड किया ज्योति राव फुले ने, बुक कहड़ी लिखी इन्होंने गुलामगिरी, तो जिहड़ा सत्याशोधक समाज सीगा इहदा कम की सीगा, कम सीगा जिहड़ा ठीक है जी कास्ट सिस्टम है उस चीज़ के अगेंस्ट उन्हें बैरीयरस नूं उन्हें शैकल्स नूं तोड़ना, रैशनल थिंकिंग नूं लॉजिकल रैशनल थिंकिंग नूं प्रमोट करना ठीक है, जिहड़ा ब्राह्मणवादी आ जिहड़ा ये सारा जिहड़ा सैटअप है उन्हें रिजैक्ट करना, उन्हें नकारना, डन ठीक है जी, डन। अगे करते हैं गलबात, यह समझ आ गया सत्यशोधक समाज, इस बार 2021 एस आई के पेपर च दो शिफ्टां अड्ड अड्ड शिफ्टां दे विच क्वेश्चन आया सत्यशोधक समाज तो, ये सारी कल्चरल ते सोशल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, ये याद रखियो, बुक का नाम याद कर लिया गुलामगिरी बाय ज्योति राव गोविंद राव फुले, डन। अगे चलते हैं, अगे आ गया अपना यंग बेंगाल मूवमेंट, अगे आ गया यंग बेंगाल मूवमेंट, यंग बेंगाल मूवमेंट फाउंड करने वाला बंदा सीगा हैनरी लुइस विवियन डेरोजियो, ये जो आप एम सी क्यू किए थे उहदे विच भी किया सीगा क्वेश्चन ठीक है जी, ब्राह्मणा दे अगेंस्ट, बिल्कुल जी बिल्कुल जी सर, 19 तरीक नूं आया सी, तरीक तां मैनूं नहीं पता पर आया जरूर सीगा। यंग बेंगाल मूवमेंट किने शुरू कीती सीगी, हैनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने कलकत्ता दे विच, एक रेडिकल मूवमेंट सीगी, एक रेडिकल मूवमेंट सीगी, जिहड़ा हैनरी लुइस विवियन डेरोजियो सीगा ये बंदा हिंदू कॉलेज कलकत्ता दे विच प्रोफेसर सीगा, जिन्हें बेंगाल दे यूथ नूं इनकरेज किया कि जे थोनू ठीक है ब्रिटिशर्स के खिलाफ बाकी चीज़ों के खिलाफ थोड़ा रेडिकल अप्रोच अपनानी पेगी, जी रेडिकल रेडिकल थिंकिंग है उन्होंने प्रमोट करना पेगा, उस चीज़ को लेकर इन्हें दो न्यूज़पेपर भी लिखे ठीक है जी, एक सीगा हैस्परस ते दूजा सीगा कलकत्ता लिटरेरी गैजट, इंपॉर्टेंट ने कलकत्ता लिटरेरी गैजट ते दूजे का नाम की है हैस्परस ठीक है जी, डन। हैस्परस ते कलकत्ता लिटरेरी गैजट किने लिखे, लुइस हैनरी विवियन डेरोजियो ने, इन्हें अपने स्टूडेंट्स नूं अर्ज किया कि लिव एंड डाई फॉर ट्रूथ, इन्हें वूमेन की एजुकेशन नूं सपोर्ट किया, उन्होंने राइट्स नूं सपोर्ट किया, वूमेन एजुकेशन नूं राइट्स नूं, फाउंडर का नाम याद कर लियो, डन। अगे चल रहे ठीक है, यंग बेंगाल मूवमेंट होगी थोड़ी, अगे आ गई थोड़ी धर्मा सभा, धर्मा सभा, धर्मा सभा इहनूं फाउंड करन वाला बंदा कौन सीगा, राधाकांत देव, राधाकांत देव, ईयर केड़ा सीगा 1830 ठीक है जी, बट ये जिहड़ा धर्मा सभा सीगा इहने रिफॉर्म्स ते नू अपोज किया कि सोसाइटी दे विच जिहड़े भी नवे रिफॉर्म आंदे ने, नोट थोनू करन गोयल जी नाल दी नाल थोनू लिंक वैबसाइट्स का दिता होया, सुशील कुमार जी की कह रहे ने ठीक है जी, टैलीग्राम ते भी मिलणगे ते प्लस थोनू वैबसाइट ते भी तुसी एक्सैस कर सकदे हो नोट्स ठीक है। हुण धर्मा सभा दे विच की होया कि इन्हें अपोज किया रिफॉर्म्स नूं, इन्हें कहा कि सोसाइटी जिदा की चल रही है उदा की चलन दो ठीक है, नवी चीज़ा लेके आवेंगे नवी चीज़ा खराब करनगियां, तो जिहड़ा धर्मा सभा सीगा इन्होंने रिजैक्ट किया ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी नूं प्रमोट किया
ठीक है, बट वैसटर्न एजुकेशन नू कुड़ियां वास्ते इन्होंने प्रमोट किया कि वैसटर्न एजुकेशन तो ठीक है कुड़ियां वानू पढ़ा सकते हैं, बट जिहड़े सोसाइटी के रिफॉर्म्स वगैरह सीगे उन्हों नकारिया इन्होंने। जिहड़ी धर्मा सभा सीगी फाउंडर जरूर याद रखना राधाकांत देव 1830। डन दोस्तों, अगे चलते हैं। ठीक है जी, अगे आ गई थोड़ी ड्रेन ऑफ वैल्थ थ्यूरी, ड्रेन ऑफ वैल्थ थ्यूरी अगे आ गई थोड़ी ड्रेन ऑफ वैल्थ थ्यूरी। हुण ड्रेन ऑफ वैल्थ थ्यूरी दो बंदियां ने दित्ती, एक सीगा आर सी दत्ता ते दूजा सीगा दादा भाई नरोजी। मेन बंदा यह है दादा भाई नरोजी, मेन बंदा कौन है दादा भाई नरोजी। डन, मेन बंदा कौन है दादा भाई नरोजी। ड्रेन ऑफ वैल्थ थ्यूरी की सीगी, ड्रेन ऑफ वैल्थ थ्यूरी दे विच इन्हां ने दादा भाई नरोजी ने ते आर सी दत्ता ने कारण दसे कि किवें अंग्रेजां ने अपनी इकनोमिक पॉलिसीज दे नाल पोलीटिकल पॉलिसी दे नाल इंडिया की जिहड़ी वैल्थ है उन्हों ड्रेन करता, जिहड़ी इंडिया दे रिसोर्सिज इंडियन ही नहीं यूज कर सकते उन्हां वास्ते ही नहीं, वो खत्म हो गए। मतलब ब्रिटिशर्स दी नूं क्रिटिसाइज किया ते किवें इंडिया की वैल्थ इंडियन तो ही ड्रेन होगी, उस चीज़ का जिक्र किया ड्रेन ऑफ वैल्थ थ्यूरी दे विच। ठीक है, इसी थ्योरी नूं लैके दादा भाई नरोजी ने एक किताब लिखी, इंपॉर्टेंट है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नरोजी ने एक किताब लिखी, किताब का नाम की सीगा पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किताब का नाम की सीगा पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यही किताब है जिदे विच पहली बार दादा भाई नरोजी ने नैशनल इनकम का एसटीमेट लाने की कोशिश करी। पहली बार इसे बुक दे विच नैशनल इनकम का जिहड़ा अंदाजा लाने की कैलकुलेश करने की कोशिश की दादा भाई नरोजी ने। बिल्कुल जी, आपां एक अड्ड तो लैक्चर लाना है फेमस परसनैलिटी के उपर, एंड दे विच एक लैक्चर आपने रख्या होया फेमस परसनैलिटी के उपर। जिन्नी भी फेमस परसनैलिटीज़ हुई हैं उन्होंने नाल रिलेटिड जिनी भी एग्जाम की इनफॉर्मेशन है वो आप करांगे, किनू की कहा जाता सीगा, निकनेम की सीगा, किने केड़ी किताब लिखी, वो सारा आप अड्ड तो भी एक लैक्चर रख्या होया फेमस परसनैलिटी का, गल करांगे उन्होंने बारे। ठीक है, फिलहाल अपनी जिहड़ी सोशल ते कल्चरल मूवमेंट चल रही इन्हों के कॉन्टैक्सट तक ही आप थोड़ा जिहा सीमित रहने। ठीक है जी, तो आर सी दत्ता ने केड़ी बुक लिखी, इकनोमिक हिस्टरी ऑफ इंडिया। दो किताबां सीगियां दादा भाई नरोजी ने लिखी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आर सी दत्ता ने केड़ी लिखी, इकनोमिक हिस्टरी ऑफ इंडिया। इन्हां दे विच इन्हां ने क्या क्या ड्रेन ऑफ वैल्थ थ्यूरी का पूरा मुद्दा समझाया, केस समझाया कि ड्रेन ऑफ वैल्थ थ्यूरी दे विच बेसिकली है की सीगा, मतलब वैल्थ ही ड्रेन करती। ठीक है जी, डन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी, अगे चलते हैं, नैक्सट नैक्सट आ गया थोड़ा जी लोक हितवादी, या लोक हितवादी भी इनू कहा जाता सीगा, लोक हितवादी या लोक हितवादी भी इनू कहा जाता सीगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केड़ा बंदा सीगा इंडियन सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स दे विच जिनू इंडिया दे विच लोक हितवादी दे नाम तो जाने जाता सीगा। गोपाल हरी देशमुख, गोपाल हरी देशमुख। ठीक है जी, गोपाल हरी देशमुख बंदा कौन सीगा, गोपाल हरी देशमुख जिन्हों की कहा जाता सीगा लोक हितवादी। ठीक है जी, इन्हें वैसटर्न एजुकेशन नू प्रमोट किया, रैशनल आउटलुक नू प्रमोट किया, फीमेल एजुकेशन नू प्रमोट किया, अपलिफ्टमेंट ऑफ वूमेन प्रमोट की। बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशन इदा नहीं है जिन्हों के सिर्फ आपां नू इन्हां दा फाउंडर याद रखना। लोक हितवादी दे विच कौन सीगा, गोपाल हरी देशमुख। इनू खुद नू लोक हितवादी कहा जाता सीगा, जिहदा क्वेश्चन कई बार रिपीट होया पिछले 5-7 साल दे विच ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਰਕ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵੂਮੈਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮ ਆਲਮੋਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਵੂਮੈਨ ਰਿਫੋਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਕੇ ਗੋਖਲੇ, ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ। 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਨ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ
ट्राइबल जिहड़े बंदे ने ट्राइबल्स की कंडीशन सुधारन वास्ते काम किया। ठीक है जी, अरपण प्रीत जी चैंपियन, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। मल्टी टैलेंटेड बंदे बहुत ने पंजाब च, बहुत घूम रहे ने मल्टी टैलेंटेड बंदे जिहड़े एक सारा ही काम कर लेंगे ने। ठीक है, आप सिर्फ पेपर देना, पेपर कढ़ना अपना काम हो। ठीक है जी, आप ना मंजे बुनने ने, ना टेंट का काम करना, ना पटाके बेचने ने, आप ना पेट्रोल पंप से काम करना, आप पेपर कढ़ के वधिया काम करना। ठीक है जी, डन ये हो गया। अगे चल रहे आप, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी किने फाउंड की, जी के गोखले ने फेमाइन वास्ते काम किया, अकाल दे उहदे विच काम किया। अगे चल रहे हैं, इंडियन नैशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इनू इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता, इंडियन नैशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता। ये UPSC च आया 2016 के प्री दे विच, के केड़ी एदां दी ऑर्गनाइजेशन है, केड़ी एदां दी ऑर्गनाइजेशन है जिन्हों कांग्रेस का सोशल सैल कहा जाता, सोशल रिफॉर्म सैल। 2016 के UPSC प्री का भी क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन 2016 के UPSC प्री का। हुण इंडियन नैशनल सोशल कॉन्फ्रेंस फाउंड किने कीती, MG राणा डे। दूजा बंदा कौन सीगा, रघुनाथ राओ। दो बंदे सीगे, MG राणा डे ते रघुनाथ राओ, 1887। ठीक है जी, डन। जसकरणवीर सिंह जी बिल्कुल जी बिल्कुल, थोड़े इमोजी बहुत कुछ दस रहे ने। ठीक है, इंडियन नैशनल सोशल कॉन्फ्रेंस डन, फाउंड किने कीती, MG राणा डे, दूजा रघुनाथ राओ। टाइम की सीगा 1887। मेन फोकस की सीगा, सोसाइटी दे विच पॉलीगैमी नू खत्म करना, कुलीनिज्म नू खत्म करना, इंटरकास्ट मैरिजिज नू प्रमोट करना, चाइल्ड मैरिजिज बंद करना। ठीक है, ये सारे ऑलमोस्ट सेम ही सीगे। इनू कहा जाता है इंडियन नैशनल कांग्रेस का सोशल सैल, इंपॉर्टेंट है। UPSC ने पूछा 2016 के प्री दे विच, मैं भी पढ़ाउंदा हुंदा सी, बिल्कुल जी बिल्कुल। उन्होंने कहना भी मैं भी सोशल कॉन्फ्रेंस का मैंबर हुंदा सी। ठीक है, चलो डन ये हो गया। अगे चल रहे आप, इंपॉर्टेंट शब्द है याद रखियो, इनू इंडियन नैशनल कांग्रेस का सोशल रिफॉर्म सैल या सोशल सैल कहा जाता है, जिहड़ा UPSC ने पूछा क्वेश्चन। अगला है सेवा समिति, अगला आ गया सेवा समिति। सेवा समिति किने फाउंड किया, हरिदेनाथ कुंजरू, H कुंजरू नाम के बंदे ने। ये सारे सोशल रिफॉर्मर थे, वो मैंबर सीगा पहला ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी का। ठीक है जी, उन्हां तो अलग होकर उन्हें इलाहाबाद के 1914 हरिदेनाथ कुंजरू ने की किया। ठीक है, सेवा समिति फाउंड की, सेवा समिति डन डन ये हो गया। अगे चलते हैं, इन्हों का भी सेम मोटिव सीगा, जिहड़ी सफरिंग क्लासिज ने उन्होंने काम करना, क्रिमिनल रिफॉर्म्स नूं सुधारना, क्रिमिनल्स दे नाल किवें लॉ डील करदा उन्हां चीज़ां नूं संभालना। ठीक है, जिहड़े लोग सोसाइटी च सफर कर रहे ने, गरीब लोग ने, बेसहारा मजलूम लोग ने, उन्होंने लिए काम करना, सेवा समिति का काम ये सीगा। डन अगे चलते हैं, फाउंडर कौन सीगा, हरिदेनाथ कुंजरू, HM कुंजरू कहिंदे ने इहनूं। अगे चलते हैं, राधा स्वामी मूवमेंट, अगे आ गई राधा स्वामी मूवमेंट। ठीक है जी, 1861 दे विच एक बैंकर सीगा आगरा दे विच, नाम की सीगा तुलसी राम, जिन्हों केड़े नाम नाल जाने जाता सीगा, होर शिव दयाल साहब या स्वामी महाराज। डन, स्वामी महाराज या शिव दयाल साहब के नाम नाल जाने जाता सीगा, नाम की सीगा तुलसी राम। 1861 दे विच बैंकर सीगा एक, उन्हें एक मूवमेंट शुरू की राधा स्वामी मूवमेंट। ठीक है जी, आगरा दे विच इन्होंने की प्रमोट किया कि एक सुप्रीम बींग, कोई बंदा है, कोई गुरु है, उन्होंने गुरु बना के उसकी पूजा करना। ठीक है जी, सिंपल सोशल लाइफ जीना। ठीक है, बिलीव सत्संगी जिन्होंने कहा जाता है, तो अपने गुरु को सुप्रीम मनना, अपने गुरु को सुप्रीम मनना। ठीक है जी, डन, अपने गुरु को सुप्रीम मनना, डन। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी होंगे जो एक बंदा बहुत सारे वो विआह करा लैंदा, भ्रूण हत्या नहीं होंदा। जसकरणवीर सिंह जी पॉलीगैमी होंदा है कि एक बंदे का जदों बहुत सारे बंदियां नाल ब्याह हो जाए, दैट इज़ पॉलीगैमी। निकिता बंसल जी पॉलीगैमी है, जदों एक दा काफ़ी ज़्यादा उहदे नाल ब्याह हो जाए, मल्टीपल मैरिजिज, बिल्कुल पॉलीगैमी होंदा, मल्टीपल मैरिजिज वाला कंसैप्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही है। राधा स्वामी मूवमेंट का समझ आ गया 1861 दे विच। फिर इन्हां दी एक फ्रैक्शन टुट के पंजाब दे विच आई, राधा स्वामी की एक फ्रैक्शन टुट के पंजाब दे विच आई, जिहड़ा ब्यास दे विच डेरा है राधा स्वामी का,
वो टुट के पंजाब दे विच आई, ब्यास तो इन्हों प्रमोट किया। तो ओरिजिनली आगरा तो शुरू हुई मूवमेंट सी उत्तर प्रदेश तो। अगे चलते हैं, देवा समाज या इनू देव समाज भी कहा जाता है, देवा समाज हिस्टरी। अगला देवा समाज, देवा समाज इनू किने फाउंड किया, शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 दे विच। कौन सीगा फाउंड करने वाला? शिव नारायण अग्निहोत्री। इन्होंने मतलब की कहा कि बड़े मोरल प्रिंसीपल सैट करते कि ना तो शराब पीनी है, ना जुआ खेलना है, ऐदा दी चीज़ां, ठीक है। आइडल समाज जिहड़ा विकसित करने की कोशिश की, इन्होंने कहा कि हाई मोरल एंड सोशल कंडक्ट करना चाहिए बंदे नू, ठीक है। देवा समाज इन्होंने अपना एक किताब लिखी देवा शास्त्र, जिदे विच इन्होंने कहा कि जिहड़ा देव समाज होएगा उहदे विच ना तो शराब चलेगी, ना दे विच उहदे विच लोग जुआ खेलणगे, ऐदा दी चीज़ां नहीं करनगे, ठीक है जी। डन, ये चीज़ा नहीं करनगे। ये प्रमोट किने किया? देवा समाज वाले ने। बहु विवाह, बिल्कुल जी एस पी सिंह जी, ये प्रमोट किया देवा समाज वाले ने। कहा कि शाम को ठेके तो पौआ नहीं लेना है किसी ने, ठीक है जी, ना जुआ खेलना है दिन च, ठीक है। तो आपां नूं की करना है? सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, आया समझ। आपां नूं जिहड़ा अपना काम है मोरल, हाई मोरल ग्राउंड रखना है, ठीक है जी। डन, अगे चलते हैं आप। फिर नैक्सट आ गया जी अपना अलीगढ़ मूवमेंट। अगला आ गया दोस्तों अपना अलीगढ़ मूवमेंट। नैक्सट आ गया अपना अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट ये किने शुरू की? सर सैयद अहमद खान। स्टार्ट करने वाला बंदा कौन सीगा? सर सैयद अहमद खान। इन्हें मुस्लिम्स नूं इनकरेज किया कि वैसटर्न एजुकेशन नूं पढ़ो, वैसटर्न एजुकेशन वल जाओ, ठीक है। रिलीजन के बारे सवाल करो, धर्म के उपर तर्क के नाल धर्म के उपर भी सवाल करो। डन, फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। नॉट एक्चुअली मुस्लिम लीग के फाउंडर नहीं सीगे ये, ठीक है जी, ठीक है जी, एक तो जा बिल्कुल, ठीक है। ये चीज़ होगी साइंटिफिक, इन्हें एक साइंटिफिक सोसाइटी फाउंड की 1864 के, ठीक है जी, एक साइंटिफिक सोसाइटी भी फाउंड की 1864 के। एक उर्दू जर्नल लिखिया, मैगजीन रसाला लिखिया, तहजीब अल अखलाक, जिदा मेरे ख्याल 2017 या 18 के 144 साल बाद यदा ऑनलाइन एडिशन आना शुरू होया। 144 साल बाद यदा हुण ऑनलाइन एडिशन भी आंदा है। 1870 च इन्हें लिखिया सीगा ये। इन्हें एक अलीगढ़ स्कूल खोलिया, अलीगढ़ स्कूल 1875 दे विच, जिहड़ा बाद दे विच कॉलेज बन गया। कॉलेज तो वह अज की बन गया AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उहदा फाउंडर कौन सीगा? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, ठीक है जी, सर सैयद अहमद खान। डन, इसकी डैथ तो बाद जिहड़े मैंबर सीगे, जिहड़े अलीगढ़ मूवमेंट दे नाल जुड़े हुए बंदे सीगे, इन्हां दे मैंबर सीगे, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शुरू की 1906 दे विच, ठीक है। आगा खान सीगा, नवाब सलीमुल्ला सीगा, नवाब मोहसिन उल मुल्क सीगा, ये तीन बंदे सीगे मेन जिन्होंने मुस्लिम लीग शुरू की। कितों? ढाका तो, ढाका तो 1906 आफ्टर द डैथ ऑफ सर सैयद अहमद खान। इट्स इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जी बिल्कुल, जसकरणवीर सिंह जी इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ मुस्लिम, ठीक है, सर सैयद अहमद खान फाउंडर सीगा। मुस्लिम्स नूं की किया? इनकरेज किया कि वैसटर्न एजुकेशन वल जाओ, धर्म के उपर भी सवाल करो, तर्क भरपूर्ण सवाल करो, तर्क के नाल धर्म नूं चैलेंज करो, ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी फाउंड की, एक उर्दू का जर्नल लिखिया तहजीब उल अखलाक, जिहदा हुण ऑनलाइन एडिशन आन लग्या कुछ साल पहला। एक स्कूल फाउंड किया, स्कूल तो कॉलेज बनया, कॉलेज तो यूनिवर्सिटी बनी, यूनिवर्सिटी अज भी हैगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी UP दे विच, ठीक है जी। मरण तो बाद इन्हां दे जिहड़े मैंबर सी उन्होंने मुस्लिम लीग शुरू कर ली 1906 दे विच, बाद च जाके जिहड़ी मुस्लिम लीग अपना जुड़दी है पाकिस्तान की क्रिएशन दे नाल। डन, अगे चलते हैं। अहमदिया मूवमेंट पंजाब दे पेपरां च, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है अहमदिया मूवमेंट, ठीक है जी। एक दो तीन बारी क्वेश्चन आ लिया अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट इन इस्लाम, ठीक है जी, दो तीन बारी क्वेश्चन आ लिया, ठीक है जी, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ये चीज़ होगी अहमदिया मूवमेंट किने शुरू किया सीगा? मिर्जा गुलाम अहमद, 1889 मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया मूवमेंट शुरू की। इन्हें की कहा? इन्हें कहा कि सारे धार्मिक ने बेसिकली जो सारे इन्हों का फंडा सीगा, इन्हें सैक्रेड वॉर्स वगैरह सारे जोड़े रिलेशन से उन्होंने सारी चीज़ों प्रमोट जोड़ा है नहीं किया, ठीक है। मिर्जा गुलाम अहमद 1889, मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है जी, मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है जी। हुण जिहड़े अहमदिया मूवमेंट सीगा, अहमदिया मूवमेंट का हैडक्वाटर कित्थे है?
सवाल है अहमदिया मूवमेंट का हैडक्वाटर कित्थे है पंजाब का, ठीक है जी, हैडक्वाटर कित्थे है? बिल्कुल जी बिल्कुल एस पी सिंह जी, ये पंजाब के पेपर के क्वेश्चन कई बार रिपीट होया कि जेडे अहमदिया मूवमेंट ने अहमदिया मुस्लिम ने, अहमदिया मुस्लिम जिदा शिया होंगे सुन्नी होंगे उदा ही अहमदिया मुस्लिम भी होंगे ने, एक होर फ्रैक्शन है इन्होंने तो क्वेश्चन की है कि अहमदिया मुस्लिम का हैडक्वाटर कित्थे है? गुरदासपुर के कादिया शहर के, गुरदासपुर के कादिया शहर के कादिया, ये पंजाब के पेपर च रिपीट हो क्योंकि इन्हों का जोड़ा हैडक्वाटर है वो कित्थे है कादिया, जोड़ा कित्थे है गुरदासपुर पंजाब, जोड़ा कित्थे है गुरदासपुर पंजाब, गुरदासपुर पंजाब अहमदिया मूवमेंट शुरू कर करने वाला कौन सीगा? मिर्जा गुलाम अहमद 1889। अगे चलते हैं, अगे आ गई थोड़ी द्योबंदी मूवमेंट, द्योबंदी मूवमेंट अगे आ गई जी थोड़ी द्योबंदी मूवमेंट, द्योबंदी मूवमेंट 1866 1866 के विच द्योबंदी मूवमेंट, द्योबंद स्कूल ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी शुरू होंदा है, शुरू करने वाले बंदे कौन सीगे? दो बंदे सीगे, राशिद अहमद गंगोजी ते दूजा बंदा सीगा मुहम्मद कासिम ननौतवी, ठीक है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल सारा कुछ फ्री प्रोवाइड कराते हैं जी गुरजसदीप जी, टेंशन वाली कोई गल नहीं हैगी, ठीक है जी। तो द्योबंदी मूवमेंट की चीज़ है? दो बंदे सीगे इनवॉल्व, ठीक है जी, राशिद अहमद गंगोजी मुहम्मद कासिम ननौतवी, दो बंद ने शुरू किया। इन्होंने क्लासीकल इस्लाम जोड़ा मोरल तो रिलीजियस उन्होंने वास्ते इस्लामिक जी क्लासीकल स्टडी सगिया पुराना इस्लाम वो स्टडी शुरू की। द्योबंद जोड़ा है यूपी के शहर है कस्बा है द्योबंद, जोड़ा मास मीट वास्ते बहुत फेमस है। इन्होंने वैसटन एजुकेशन प्रमोट नहीं किया, कल्चर तो एजुकेशन प्रमोट नहीं किया, बट थोड़ा बहुत यह जोड़ा मुस्लिम के इस्लाम के लिबरल चीज़ों की जगह सी उन्हों की जगह की जरूर गल की, बट वैसटन एजुकेशन तो कल्चर प्रमोट नहीं किया इन्होंने द्योबंदी वाले ने, फाउंडर ये थे दोनों। डन, अगे चलीए, अगे आ गई जी अपनी जस्टिस पार्टी मूवमेंट, नैक्सट है जी अपनी जस्टिस पार्टी मूवमेंट, जस्टिस पार्टी मूवमेंट नैक्सट। तीन बंदे सीगे जस्टिस पार्टी के, टी एम नायर, सर पिट्टी थ्यागराजा, तो ठीक है जी तीजा सीगा अपना राजा ऑफ पनंगल, ठीक है जी राजा ऑफ पनंगल। एक ऑर्गेनाइजेशन सीगी सिल्फ, साउथ इंडियन लिबरल फैडरेशन, दक्षण भारत की साउथ इंडियन लिबरल फैडरेशन, साउथ इंडियन लिबरल फैडरेशन इन्होंने शुरू की जी, बाद जाके की बनी जस्टिस पार्टी, जी बाद जाके की बनी जस्टिस पार्टी। ये जस्टिस बेसिकली की सीगा? एक न्यूज़ पेपर सीगा, जस्टिस की सीगा? एक न्यूज़ पेपर सीगा जिहड़ा ये छापदे सीगे, ठीक है जी। इसे न्यूज़ पेपर तो इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रख लिया जस्टिस पार्टी। साउथ इंडिया के शुरू हुई मूवमेंट सी जी, साउथ इंडिया के जोड़ा ब्राह्मिन्स का डोमीनेशन सीगा, मंदिरों के उपर कब्जा, एजुकेशन के उपर कब्जा, बेसिकली सारे रिसोर्सिज के उपर कब्जा, उस चीज़ के अगेंस्ट शुरू करी गई मूवमेंट सी, मूवमेंट सी सिर्फ जी बाद च बन गई जस्टिस पार्टी मूवमेंट, ठीक है जी। जस्टिस की सीगा? एक न्यूज़ पेपर सीगा। डन, शुरू करने वाले बंदे सीगे टी एम नायर, पिट्टी थ्यागराजा ते राजा ऑफ पनागल। डन, अगे चलते हैं दोस्तों, फिर आती है सैल्फ रिस्पैक्ट मूवमेंट। हुण तुसीं सैल्फ रिस्पैक्ट तो समझ ही सकते हो। निकिता बंसल जी डिटेल च थोनों वैसे ही लग रहा, इन्ना डिटेल च नहीं है ये नेम। देखो हुण नवजोत सिद्ध, नवजीत सिद्धू जी, एक सीधी जी गल है कि जे थोनों नौकरी लेनी है तो थोड़ा बहुत इन्हों हूँ पढ़ना पड़ेगा, है ना। हूँ कंपीटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपीटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बंदे लाइन च लगे हुए ने, पोस्टा घट निकल दिया ने, तो बेसिकली जे जॉब लेनी है तो हूँ इन्हों चीज़ों तो याद करना ही पेगा, पढ़ना पेगा, इंट्रस्ट लेके याद करना कोई औखा नहीं है। तो ठीक है, बेसिकली अपना मकसद यह है कि आपको सारे जॉब मिले, आप एक ठीक है डिग्निटी वाला थोड़ा जहा कम करिए, कोई चंगा इमानदारी नाल कम करिए, कोई यंग बंदे चंगे बंदे वधिया डिपार्टमेंटा च जाण, हालत सुधरे, ठीक है। इन सारी चीज़ों का बेसिकली अपना मकसद है, तो पढ़ना पेगा आपां, ठीक है। हुण सैल्फ रिस्पैक्ट मूवमेंट का मतलब की है कि जिहड़ी थोड़ी आत्म सम्मान है, अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ी गई मूवमेंट, वो लड़ी गई लड़ाई तो इंडिया के साउथ के बहुत ज़्यादा चली। बेसिकली सैल्फ रिस्पैक्ट का सीधा सीधा तुम समझ गए,
ठीक है जी, लोअर कास्ट वाले ने मूवमेंट चलाई अपर कास्ट वाले अगेंस्ट के जिहड़ा सानू राइट्स नहीं तुसीं दिंदे, ठीक है, सारी चीज़ां ने जिदा तुसीं अजकल मूवी बड़ी फेमस हो रही है जय भीम तुसीं देखियो उहदे विच ट्राइबल दे राइट्स दा तुसीं देखदे हो ट्राइबल्स नाल की चीज़ हुंदी है वो भी एक साउथ इंडियन उहदे उहनूं लैके बनी हुई है जय भीम सर तुसीं इनवायरमेंट वगैरह सब समझ नहीं नहीं मेरा ये है जी ठीक है जी इन्हां नूं रट्टे नहीं लाने आपां ने बस पढ़ना इंट्रस्ट दे नाल आपे याद हो जाणगे एक नाम है साउथ इंडिया दे विच ए नाम याद कर लो ईवी रामा स्वामी नायकर पेरियार साउथ इंडिया दे विच बहुत सारे खास कर ले कर करके केरला दे विच बहुत सारे बस स्टैंड नदियां एनवायरमेंट दे नाल नैशनल पार्क होर बहुत सारी चीज़ां इस बंदे दे नाम ते ने ईवी पेरियार दे नाम ते जिदा नॉर्थ इंडिया दे विच बी आर अंबेडकर है इंडिया दे विच ही है बी आर अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर उदा ही साउथ इंडिया दे विच ईवी रामा स्वामी पेरियार है जिन्हें कास्ट के अगेंस्ट जिहड़ी मूवमेंट जिहड़ा मतलब डैरोगेटरी हालत करी जाती सीगी लोगों की उन्हां दे अगेंस्ट साउथ इंडिया दे विच मोर्चा संभालिया इन्हां ने की किया जबरदस्ती टैंपल एंट्रीज कीतियां इंटरकास्ट मैरिजिज़ नूं प्रमोट किया जिहड़ी जगह ते कहा जांदा सीगा कि तुसीं नहीं जाना कि तुसीं अनटचेबल हो उन्हां जगह ते फोर्सफुली एंट्री की सो इदां दी चीज़ां कीतियां ठीक है यही ब्राह्मिन्स दे अगेंस्ट इन्हां नूं उन्हां दी सुपीरियोरिटी नूं ओवरथ्रो करन वास्ते चलाई गई मूवमेंट सीगी ठीक है वैडिंग्स विदाउट इनवॉल्विंग द ब्राह्मिन्स टैंपल एंट्री बिना पंडितां तों बिना उस तों ब्याह करना बिना पुजारियां तों ब्याह करन दी मूवमेंट बिल्कुल सिंपल वैडिंग जबरदस्ती टैंपल एंट्री करनी बेसिकली कास्टिज़म दे अगेंस्ट चलाई गई मूवमेंट सीगी जिहड़ी साउथ इंडिया दे विच चली बंदा ठीक है जी बंदा है मैं किवें याद रखे हुए हैं नवजीत संधू जी मैनू पढ़ाते नूं 10 साल हो गए मैनू पढ़ाते नूं 10 साल हो गए तो इस चीज़ करके ठीक है जी तो वो अपने आप ही याद हो जाते हैं क्योंकि जी एस जी हैगी जी एस की चीज़ है जी एस थोड़ी रिविजन के उपर है जी एस थोड़ी रिविजन के उपर है जिन्ना तुम रिवाइज करोगे उन्ना थोड़ी चीज़ा याद होंदिया जाएगियाँ बेसिकली जेकर तुम हफ्ते च एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा एक हफ्ते हिसाब न क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशन है ना ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशन है थोड़ी देर बाद बंदा ना चाह के भी चीज़ा याद नहीं रख पाता भुल जाता है ना तो यह चीज़ा बहुत सारिया हो जाए तो इनका एक ही है कि तुम रिवाइज करो इन्हों थोड़े थोड़े टाइम तो बाद रिवाइज करते रहो निगाह मारते रहो तो चीज़ा थोड़ी याद होनिया शुरू हो जाएगियाँ ठीक है दोस्तों ये सैल्फ रिस्पैक्ट मूवमेंट थी जी साउथ इंडिया के चली बंदे का नाम याद रखना है ईवी रामा स्वामी नायकर पेरियार ईवी पेरियार पेरियार के नाम तो याद रख लो इक्के बंदा हो ठीक है जी फिर अपना आता सैल्फ रिस्पैक्ट मूवमेंट इन इंडिया फिर अपना आता सैल्फ रिस्पैक्ट मूवमेंट इन इंडिया हूँ इंडिया के नाम आता यही सैल्फ रिस्पैक्ट मूवमेंट से बी आर अंबेडकर बी आर अंबेडकर ठीक है जी बी आर अंबेडकर डन जी बी आर अंबेडकर ड्यू टू नैटवर्क प्रॉब्लम आए बिल्कुल जी अमनदीप कौर सिद्धू जी कोई चक्कर नहीं थोड़ा नोट्स मिल जाएंगे तुम क्लास कोई गल नहीं थोड़ी मजबूरी है नोट्स जरूर ले लियो ठीक है नोट्स अपना कंटेंट जोड़ा है उस दे विच सारा कुछ है नोट्स ले लियो कोई गल नहीं ठीक है जी सैल्फ रिस्पैक्ट मूवमेंट का की है कि भीम राव राम जी अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने कहा जाता है उन्होंने अनटचेबल दी अपलिफ्टमेंट वास्ते जिहड़े कम किए ने आप सारे नूं पता ही है ठीक है जी कम किए ने इन्होंने की किया कि उन्होंने एजुकेशन वास्ते लड़े ने लीगल राइट्स वास्ते लड़े ने पोलीटिकल राइट्स वास्ते लड़े ने इन्हों इनकरेज किया बेसिकली एक गल कही है कि तुसी एजुकेशन नूं ऑप्ट करो तुसी पढ़ो जेकर तुसी पढ़ोगे तो थोनू थोड़े हकों का पता लगेगा जो थोनू थोड़े हकों का पता लगेगा तुसी उन्हां दे लई लड़न लई काबिल होंगे तो बेसिकली एजुकेशन ते जोर दिता ठीक है जी कास्ट ड्यूटीज कास्टिज़म दे अगेंस्ट ये चलाई गई ठीक है इस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए अंबेडकर ने एक सोसायटी फाउंड की डिप्रैसड क्लास इंस्टीट्यूट या डिप्रैसड क्लास सोसायटी जिन्हों हिंदी दे विच कहा जाता है बहिष्कारित हितकारिणी सभा बॉम्बे दे विच डिप्रैसड क्लास इंस्टीट्यूट या डिप्रैसड क्लास स्टडी लखविंदर सिंह जी नोट्स थोनू टैलीग्राम तो मिलेंगे जी साडा टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सारे ने टैलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है दोस्तों टैलीग्राम सारे ने जरूर ज्वाइन करना है वैबसाइट तो भी मिल जाते हैं टैलीग्राम तो भी मिल जाते हैं टैलीग्राम हैगा डिस्क्रिप्शन दे विच सारे दोस्तों ने 100 के करीब बंदा आपू देख रहा है आपने की करना है टैलीग्राम ज्वाइन करना है सारे बंदे टैलीग्राम ज्वाइन करो ठीक है जी टैलीग्राम से वैबसाइट पर बिल्कुल जी अंबेडकर जी ने की शुरू किया डिप्रैसड क्लास इंस्टीट्यूट
बहिष्कारित हितकारनी सभा बॉम्बे दे विच 1924 दे विच। इसे चीज़ के मद्देनज़र इन्होंने की किया, एक मराठी 15 दिन का अखबार लिखना शुरू किया, जर्नल लिखना शुरू किया। नाम की सीगा बहिष्कारित भारत 1927 दे विच, जिहड़ा आपां MCQ दे विच किया। महद मार्च कढ़िया पानी की जिहड़ी मूवमेंट सीगी महद मार्च 1927 दे विच, ये भी इसे चीज़ के नाल जुड़िया होया सीगा। महद मार्च 1927 दे विच पानी नहीं भरन दिता जांदा सीगा, पानी नहीं भरन दिता जाता सीगा कि तुम लो कास्ट के बंदे हो, थोनू पानी नहीं भरना। वो पानी की मूवमेंट दे अगेंस्ट महद मार्च चलाया 1927 दे विच बॉम्बे च, ठीक है जी। मराठी 15 दिनों का एक जर्नल लिखना शुरू किया बहिष्कारित भारत, ठीक है जी। एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की, नाम की रख्या समाज समता संघा 1927 दे विच, डन। एक पोलीटिकल पार्टी फाउंड की, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उस तो अलावा शड्यूल कास्ट फैडरेशन शुरू की गई पोलीटिकल पार्टी, ठीक है जी, शड्यूल कास्ट फैडरेशन 1942 दे विच। अच्छा, इन्होंने एक और किताब लिखी सी जिन्हों का क्वेश्चन बहुत आता है, एनहीलेशन ऑफ कास्ट, जिन्हों लोग पढ़ते हैं एनहीलेशन ऑफ कास्ट, एक बुक लिखी एनहीलेशन ऑफ कास्ट। ये सारा कंटेंट बिपिन चंद्रा च मिल जाएगा विद डिटेल्ड समरी। जॉन क्राइस्ट जी, बिपिन चंद्रा थोनू पढ़ने नू ता तुसी बहुत चीज़ां पढ़ सकते हो। शेखर बंदोपाध्याय पढ़ लो, तुसी बिपिन चंद्रा पढ़ लो, पढ़ने नू ता अपने कोल बहुत सारी चीज़ां ने। अपना बेसिकली इत्थे कराण दा मतलब की है कि आपां रेलीवेंट पढ़ना है। हुण तुसी बिपिन चंद्रा दे जिहड़ी चीज़ 3 घंटे च यही कंटेंट कढ़ना है, वो चीज़ असी थोनू 1 घंटे च कढ़ के देती नोट्स के थ्रू ते PPT के थ्रू। थोड़ा लैक्चर भी हो गया, थोनू नोट्स भी मिल गए। हुण तुसी बिपिन चंद्रा या बहुत सारी किताबां ने, तुसी उन्हां च जिहड़ी चीज़ां कल्ली कल्ली लभ के 3 घंटे च कढ़ोगे तुसी पढ़ सकते हो बिपिन चंद्रा। जेकर तुसी सिविल सर्विसिज वास्ते प्रिपेयर कर रहे हो, तुसी इन्हां चीज़ां वास्ते प्रिपेयर कर रहे हो तां तां ठीक है। अदरवाइज़ उस तो अलावा जिन्हें भी पेपर ने चाहे PPSC का कोई भी, फिर थोड़ी लोड़ नहीं हैगी इन्नी डिटेल से जान की, ठीक है जी। फिर आही सारे फैक्चुअल इनफॉर्मेशन है जी आप कढ़ांगे विचों, ठीक है जी, डन। तो ये सारे दोस्तों को समझ आ गया, ठीक है जी। जसकरणवीर सिंह जी बिल्कुल, टैलीग्राम संध्या सचदेवा जी डिस्क्रिप्शन च दिता होया, ठीक है। टैलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन च दिता होया, ठीक है जी। तो दोस्तों ये अपना अज का लैक्चर सीगा, ठीक है। अज का जिहड़ा सीगा थोड़ा सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स दे विच, जिहदे विच आपां ने की देखिया ब्रह्मो समाज देखिया, आदि ब्रह्मो समाज देखिया, प्रार्थना समाज देखिया, आर्या समाज दे बारे पढ़िया, रामकृष्ण मिशन दे बारे पढ़िया, ठीक है, देवा समाज, सेवा समाज, ये सारा कुछ जिन्ना भी सीगा ये अज का अपना लैक्चर सीगा सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स। सारयां दा मकसद की सीगा, सोसाइटी नू रिवाइव करना, अपलिफ्ट करना, वूमेन्स दी एजुकेशन नू प्रमोट करना, कास्टिज़म दे अगेंस्ट ब्राह्मण डोमीनेशन नू खत्म करना, ठीक है जी। तो ये फाउंडरस इन्हां दी सोसाइटीज़ वगैरह सारी कोई ये जुड़े हुए मार्च कोई इदा दी चीज़ां ये सारियां थोनू याद करनी पैनियां। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिहड़ा अपना नैक्सट लैक्चर होएगा, ठीक है जी। नहीं उपरों नहीं जाना, हाँ जी मनीषा गोयल जी MCQ भी देवे, थोनू मॉक टेस्ट भी देवे बाद दे विच, फिक्र ना करो, ठीक है जी, ठीक है, डन। आ चीज़ होगी, थोनू सारा कुछ देवे, टेंशन ना लो, ये चीज़ होगी, ठीक है। थोड़े सारे मसले हल करांगे, थोनू पहला भी कल भी दस्या सीगा कि थोड़े मसले इत्थे हल होने ने, थोड़े मसले उन्हें नहीं हल कराने जिन्हें पहले ही सारे काम कर ले, है ना। थोड़े मसले तो इक्के काम नाल हल होने ने, पढ़ के चीज़ां नू पढ़ के ते पेपर दे के इमानदारी दे नाल, ठीक है जी, डन। तो अज का ये थोड़ा दोस्तों लैक्चर सीगा जिहड़ा सीगा सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग दे उपर, सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स दे उपर। तो मेरा कोई दोस्त साथी मित्र जे कोई कुछ कहना चाहता है तो आप गल कर सकते हैं, ठीक है, गल कर सकते हैं जेकर कोई थोनू है, हाँ जी पूछ सकते हो जी बिल्कुल, डाउट तुसी पूछ सकते हो, कोई गल नहीं। कल नहीं सर, मैंने पता मंडे क्लास होएगी जी थोड़ी, अपनी हिस्ट्री की क्लास की वारी हूँ आएगी थर्सडे नू, अपनी हिस्ट्री की क्लास 3 दिन आती है जी, थर्सडे फ्राइडे ते सैटरडे, कल ऑफ है जी, थर्सडे फ्राइडे ते सैटरडे थोड़ी मंडे क्लास होएगी पॉलिटी की, मैंटल एबिलिटी ते पॉलिटी की, ठीक है जी। मंडे ट्यूजडे ते वैडनसडे थोड़ी क्लास होंदी है मैंटल एबिलिटी ते पॉलिटी की, डन। वैडनसडे टू थर्सडे टू सैटरडे थोड़ी क्लास होंदी है रीजनिंग प्लस थोड़ी हिस्टरी की, डन जी, डन।
जो फैक्ट अंडरलाइन करे तुसी। बिल्कुल जी जसप्रीत जी थोनू सेम नोट्स दवांगे, सेम नोट्स सारा कुछ थोनू सेम नोट्स दवांगे। ठीक है जी संध्या जी थोनू सेम नोट्स दवांगे। किसी भी जड़ा भी नवे तैयारी कर लगे ने बंदे कुछ पुराने ने घबराना नहीं है। जेडे बंद पेपर निकलते हैं थोड़े साढ़े वर्गे आम अपने बंदे होंगे। ठीक है दिमाग के कोई मैंटल बैरियर से डीमोटिवेट नहीं होना, खिच के रखना है कम, इमानदारी कम करना, अपना एफर्ट जेन्यून देना 100%। ठीक है जी जिस दिन हो गया तो थोड़ा खुद ही पता जेगा कि थोड़ा पेपर निकल तो टाइम हूँ आ गया। ठीक है जी साढ़े वालों कोई कसर नहीं रहेगी, असं पूरी इमानदारी नोट्स भी दे रहे हैं प्रोवाइड करा रहे हैं, थोड़ा क्लासा भी टाइमली तो सारा कुछ करा रहे हैं, थोड़ा काम है उस चीज को फॉलो करना हूँ। ठीक है जी जसकरण भीर जी थैंक यू वाली कोई गल नहीं जी, चैंपियन सुनीता सिद्धू। ठीक है जी गुड नाइट जी सारे दोस्तों, बिल्कुल जी सेम पीडीएफ मिलेगी जसप्रीत जी पुराने स्टूडेंट हो तुसी, सेम सेम मिलेगी पीडीएफ कोई गल नहीं। ठीक है जी ठीक है दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी थैंक यू।